चलिए लाइव आ गए हैं हम। सबको आवाज आ रही है मेरी? ओम 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 नारायण 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 ओम। आवाज आ रही है सबको? ओम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। ओके चलिए शुरू हो गए हैं। रैंडम हेड्स यूनाइटेड फ्रिंज ध्रुव पारेख प्रांजल मिश्रा फ्यूरियस इंस्टा मोर्गनेश्वर साइंस फ्यूजन रविशंकर अनिमेश दास पीडी शेट्टी महेश रजत कश्यप जितने भी मित्र जुड़े हैं सभी मित्रों को राम राम। अब सबके नाम तो मैं पढ़ नहीं पाऊंगा पर सबका बहुत बहुत धन्यवाद इतनी रात को जुड़ने के लिए। सबको मेरी आवाज आ रही है? हाँ ओके हाय 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 हाँ जय श्री राम हरे कृष्णा सबको राम राम। देखिए दोस्तों आदि पुरुष के टीजर ने हमें किस प्रकार से निराश किया है वो बार बार वही बातें करने की आवश्यकता नहीं है। सभी को पता है कि किस प्रकार से कितनी सारी अपेक्षाएं थी हम सब की आदि पुरुष के पहले टीजर से पोस्टर से, क्योंकि जब से फिल्म को अनाउंस किया गया था उसके बाद से ही कोई भी अपडेट उसको लेकर नहीं दिया गया था, ना ही उसके कैरेक्टर्स को लेकर या किस प्रकार से कोई कुछ 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 भी रिवील नहीं किया गया था। तो पहला जो टीजर आने वाला था उसको लेकर बहुत सारे हमारी अपेक्षाएं थी उत्सुकता थी, पर वो सब की सब पहले पोस्टर रिलीज हुआ उसके बाद उस पर पानी फिर गया। टीजर रिलीज होने के बाद में तो भाई पूरा का पूरा ही सारी एक्साइटमेंट अपेक्षाएं खत्म हो गई और लगभग हर तरफ से आदि पुरुष के टीजर का विरोध ही हुआ है, उसकी आलोचना ही हुई है। कुछ लोग तो चाहते ही थे कि आदि पुरुष का जो टीजर है वो खराब आए, आदि पुरुष फ्लॉप हो, कई सारे लोगों की हृदय से ये इच्छा थी। पर कम से कम मैं या बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनकी थोड़ी बहुत अपेक्षा थी। उमराव जी का नाम जुड़ा हुआ था जिन्होंने इससे पहले तानाजी जैसी फिल्म हमें दी हुई है, उससे पहले भी एक फिल्म मराठी फिल्म को उन्होंने डायरेक्ट किया था लोकमान्य तिलक जी के जीवन पर आधारित, वो भी एक बहुत सुंदर फिल्म थी। तो ऐसी फिल्में उन्होंने दी हुई थी इस कारण से उन पर विश्वास था। और देखिए करीब एक 1.5 वर्ष पहले सैफ अली खान का एक वक्तव्य भी आया था कि हम रावण को ह्यूमनाइज करेंगे, कि मतलब जो भी वामपंथी एक झूठा प्रोपेगेंडा फैलाते हैं कि शूर्पनखा के साथ जो हुआ उसका बदला लेने के लिए रावण ने माँ सीता का अपहरण किया था, ये जो वामपंथी झूठा प्रोपेगेंडा फैलाते हैं वो सब हम दिखाएंगे, ऐसा कुछ रावण को ह्यूमनाइज करेंगे ऐसा सैफ अली खान ने कहा था। उस समय भी मैंने इस पर वीडियो बनाया था कि उमराव जी एक सही नहीं है, क्या हो रहा है, मतलब आपसे कम से कम अपेक्षा थी और कोई वामपंथी प्रोपेगेंडा आपके रामायण में नहीं होगा ऐसे कम से कम हमें लग रहा था। उसके बाद में उमराव जी की तरफ से आदि पुरुष की टीम की तरफ से ये सफाई भी दी गई थी, स्पष्टीकरण दिया गया था कि ऐसा कुछ भी हम नहीं दिखाने वाले, जैसा रावण है वैसा ही दिखाएंगे, कहीं पर भी उसको हम ह्यूमनाइज नहीं करेंगे। तो उसके बाद से हम एक थोड़ा और विश्वास बढ़ गया था कि चलो कम से कम कुछ सही बातें हमें देखने को मिलेगी। और देखिए 2019 में मैंने इससे पहले भी कहा था मधुबंटेना की रामायण और महाभारत को अनाउंस किया गया था, और उन दोनों ही प्रोजेक्ट्स के अनाउंसमेंट के बाद में मुझे सच में अंदर से बहुत बहुत ज्यादा दुख हुआ था या चिंता हुई थी मुझे कि पता नहीं ये क्या दिखा देंगे उसमें। क्योंकि देखिए महाभारत को जब अनाउंस किया गया था मधुबंटेना की, तो दीपिका पादुकोण को पादुकोण को लिया जाने वाला है ऐसा कहा गया था, और उस समय कहा गया था कि पैलेस ऑफ इल्यूजन्स नाम की एक नॉवेल पर वो आधारित होने वाली है वो महाभारत। अब उस नॉवेल के बारे में जितना मैंने कुछ रिव्यूज वगैरह ऑनलाइन पढ़े उसके अनुसार उसमें द्रौपदी और द्रौपदी का कर्ण के प्रति सेक्सुअल अट्रैक्शन, उसकी सेक्सुअल फैंटेसीज, अपने पतियों से यानी पांडवों से वो कैसे नाराज है वगैरह वगैरह, ये सब काल्पनिक मनगढ़ंत बातें उसमें दिखाई गई थी। तो सो कॉल्ड एक द्रौपदी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो महाभारत होने वाली है ऐसे 2019 में न्यूज आई थी। तो काफी मुझे अंदर से चिंता हुई थी कि पता नहीं यार ये फेमिनिस्ट महाभारत बनाने के चक्कर में क्या दिखा देंगे। उसी समय मधुबंटेना की तरफ से रामायण को भी अनाउंस किया गया था, तो उस कारण से इन सब बातों को लेकर बहुत सारी मन में चिंताएं थी। क्योंकि मधुबंटेना अनुराग कश्यप विक्रमादित्य मोटवानी और विकास बहल ये सभी फैंटम फिल्म्स के को-फाउंडर रहे हैं, और उस कारण से थोड़ा एक लिबरल वोक माइंडसेट हो सकता है ऐसा मन में वो भी एक संशय था। तो इन सब बातों के कारण उन प्रोजेक्ट्स को लेकर मन में बहुत सारे चिंताएं थी, इंटेंशंस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था कि वो क्या दिखा देंगे। पर वैसी चिंता उमराव जी के आदि पुरुष को लेकर नहीं थी कि यार उनके इंटेंशंस कम से कम अच्छे होंगे। और उसी कारण से जब आदि पुरुष को अनाउंस किया गया था ना अगले वर्ष 2020 में, तो मैं बहुत बहुत ज्यादा खुश हो गया था।
पर अभी जब टीजर आया तो उस टीजर ने तो सब सब हमारी जो भी एक्साइटमेंट थी, उत्सुकता थी, उस पर पानी फेर दिया। और मेरे अनुसार इस कारण से जो ये टीजर ने हमें निराश किया है, इस कारण से कुछ ऐसे लोगों को उमराव जी ने और ज्यादा ताकत दे दी है जिनके इंटेंशंस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, कम से कम मुझे तो। अभी मधुबन टेना की जो रामायण, उसमें ऋतिक रोशन और रणबीर कपूर को मुख्य भूमिका में लिया जाने वाला है, ऐसा कुछ कुछ महीने पहले ऐसी अनऑफिशियल न्यूज आई थी, कुछ रिपोर्ट्स में बताया गया था। अब पता नहीं वो उसमें क्या दिखा देंगे, मतलब रावण को ह्यूमनाइज करना, या जो भी वामपंथी रामायण को लेकर प्रोपेगेंडा चलाते हैं, या राम जी को मिसोजिनिस्ट दिखाना सटल वे में या डायरेक्टली कैसे भी, ये काफी प्रश्न उस प्रोजेक्ट को लेकर मन में है। आदि पुरुष को लेकर मन में ये निश्चिंतता थी कि इसमें कम से कम ऐसा कोई प्रोपेगेंडा नहीं होगा। अब जितना कुछ टीजर वगैरह में दिख रहा है वो तो वीएफएक्स तो बहुत बहुत ज्यादा घटिया है, इसमें कोई संदेह नहीं है। पर कम से कम चलो इंटेंशंस तो कुछ गलत नहीं लग रहे हैं कि रावण को बुरा है तो बुरा ही दिखाएंगे, जैसे वामपंथी कुछ ह्यूमनाइज करने का प्रयास करते हैं वैसा कुछ नहीं होगा। पर जो उन्होंने ये खराब वीएफएक्स बनाए हैं या जो भी उन्होंने टीजर के रूप में रिलीज किया ना, वो मैं यही कहूंगा कि मुझे दया आ रही थी, दुख हो रहा था सच में। उमराव जी या मनोज मुंतशिर जी जिस प्रकार से अपने आप को जस्टिफाई कर रहे थे कुछ इंटरव्यूज में, वो देखकर सच में दुख हो रहा था, क्योंकि अब विजुअल्स खराब बने हैं, वो इतना चाइल्डिश और इतना बचकाना लग रही है सारी की सारी बातें। जिस प्रकार से उन्होंने कैरेक्टर्स को विजुअलाइज किया है वो हास्यास्पद लग रहा है। इतने खराब विजुअल्स तो मतलब मैंने इससे पहले पता नहीं खराब से खराब एनिमेटेड फिल्में देखी हुई है, पर इतने खराब विजुअल्स तो मैंने कहीं पर भी नहीं देखे थे। अब और इस कारण से मन में विचार आता है कि भाई जो राष्ट्रवादी विचारधारा से है, जिनके कम से कम इंटेंशंस अच्छे हैं, वही अगर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारेंगे तो कैसे होगा। और यही बातें सबसे ज्यादा दुख देती है, पीड़ा देती है। चलिए अभी हम ओम राउत जी और मनोज मुंतशिर जी उनका एक इंटरव्यू देखते हैं लाइव, हम देखेंगे क्या उन्होंने आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं, कौन से तर्क रखे हैं, और उस पर हम फिर साथ में एक साथ में हम सभी मित्र चर्चा करेंगे एक 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 बातों को लेकर। चलिए शुरू करते हैं, मैं वो स्क्रीन शेयर कर लेता हूं और साथ में फिर हम देखेंगे। एक मिनट, ये क्या हो गया भाई? ओके, शेयर का कहां आ गया? ओके, शेयर स्क्रीन क्रोम टैब। ओके, तो ये आपके सामने आ गया, एबीपी न्यूज का ये चैनल है, आप पूरा वीडियो उनके चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अभी कुछ खास ऐसे व्यूज नहीं आए हैं, 15,000 ही व्यूज है, आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और उनके क्या क्या आर्ग्यूमेंट्स है लाइव, साथ में हम पूरा वीडियो देखते हैं। मेरे लिए एक विजन पे और भी चीजों का छू हनुमान जी। चलिए एक बार मैं थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लेता हूँ ताकि जल्दी जल्दी वीडियो पूरा हो जाए। प्लेबैक स्पीड 1.5 कर देता हूँ और चलिए शुरू करते हैं। पहने हुए क्यों दिखाया गया? ये क्या हो गया भाई? ये ब्लू क्यों हो गया? ब्लू क्यों हो गया भाई ये? ओके, एक मिनट, थोड़ा और पीछे। ओके, किरदार ने खड़ा नहीं बल्कि स्टाइलिश चप्पल पहन रखी है। चलिए तो आपसे पहला सवाल ये है कि आपकी जो फिल्म थी तानाजी, उसको 3 राष्ट्रीय पुरस्कार मिले, उसमें राष्ट्रवाद था और उसमें और भी चीजों का छोंका था, ये रामायण का ख्याल आपको कैसे आया? जी रामायण का ख्याल तो बहुत सालों पहले आया, मैंने 2000 या 2001 के करीब मैंने एक जापानीज एनिमेशन फिल्म देखी थी और वो जापानीज एनिमेशन फिल्म थी वो रामायण के ऊपर थी। जब मैंने वो देखा तो मुझे ऐसे लगा कि अगर कोई बाहर के लोग आके, जापान के लोग आके अगर हमारे विषय पर अगर कुछ ऐसा अमेजिंग काम कर सकते हैं तो हमें भी ट्राई करना चाहिए। तब मैंने तभी ठान ली थी कि ये सब्जेक्ट को कभी ना कभी तो मैं बड़े पर्दे पर लाने की कोशिश करूंगा। अभी देखिए आदिपुरुष, सॉरी उमराव जी ने जापानीज एनिमे का उल्लेख किया है, रामायण द लेजेंड ऑफ प्रिंस रामा। अब उस एनिमेशन से अगर वो इंस्पायर्ड हुए हैं, आज भी 30 वर्ष पहले के समय में बनी हुई वो एनिमे आप देख लीजिए, रामायण पर आधारित उसके एनिमेशन देख लीजिए, कितने सुंदर विजुअल्स है। उसमें राम जी को कैसे दिखाया है, उसमें रावण को कैसे दिखाया है, उसमें हनुमान जी को कैसे दिखाया है, वो देखकर ही मन में वो भाव जगता है ना। क्या वैसा कुछ कहीं पर भी आदि पुरुष का वो टीजर देखकर लग रहा था? मुझे तो कम से कम नहीं लगा। और ओमराव जी उस एनिमे का संदर्भ दे रहे हैं तो कम से कम उससे ही आप कुछ कुछ वैसा का वैसा ही बना देते हैं, और कुछ अलग भी बनाने की आवश्यकता नहीं थी। पर यहाँ पर उन्होंने जिस प्रकार से प्रभु श्री रामचंद्र जी को, हनुमान जी को दिखाया है, वो बहुत ज्यादा निराशाजनक लग रहा है और कहीं पर भी वो मन में भाव नहीं जग रहा। भले ही आपके इंटेंशंस अच्छे हो, जो वामपंथी फिल्म मेकर्स के इंटेंशंस पर भरोसा नहीं है, आपके इंटेंशंस पर भरोसा था, पर मेरे ख्याल से जो अवसर ओमराव जी को मिला था
वो उन्होंने गवा दिया है। चलिए आगे देखते हैं। ये करने के पीछे हमारी हमारा जो एक विजन है और एक हमारा जो गोल है वो यही है कि रामायण जो है कि हमें नई पीढ़ी तक आने वाले जो युवा हैं, जो फ्यूचर ऑफ आवर नेशन है, उनकी तरफ हमें रामायण उनको दिखानी थी। जो रामायण हम बुक्स में पढ़ते हैं, जो रामायण हमने बहुत लोगों ने हमारी जनरेशन ने टेलीविजन पे देखा है, नई पीढ़ी ने उसे टेलीविजन पे देखा नहीं, तो उनकी तरफ पहुंचने के लिए एक स्क्रीन पे लेके आए और उनको उनकी भाषा में दिखाई। उनको वो डीसी कॉमिक्स देखते हैं, वो मार्वल देखते हैं, वो हैरी पॉटर देखते हैं, वो लॉर्ड ऑफ द रिंग्स जैसे शोज देखते हैं, तो उनको अगर हमें उनकी भाषा में रामायण दिखाने की कोशिश करूँ, उनके जो विजुअल्स उनके समझ में आते हैं उसको दिखाने की कोशिश करूँ, तो हमारी रामायण युवा तक डेफिनेटली पहुंचेगी। और उतना ही नहीं सर, पर विश्व में सब जगह हमारे सनातनी धर्म का और हमारी रामायण का हम प्रसार कर सके। अभी देखिए उन्होंने कितने बड़े बड़े नाम लिए, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स वगैरह, इतना सब कुछ आज की युवा पीढ़ी देखती है। तो अगर वैसा ओमराव जी ने सच में सोचा था तो भाई उसके 10% ही विजुअल्स आप कुछ दिखा देते ना। आप इतने बड़े बड़े नाम ले रहे हैं, उनके विजुअल्स आप देखिए, उसके सामने तो आपने जो चीज बनाई है वो 10% क्या, उनके 1% भी नहीं है। कितने खराब विजुअल्स, और वो सच में लिटरली रामायण का मजाक बनाया गया हो ऐसा लगता है। 500 करोड़ बजट तो यार कहीं से भी नहीं लग रहा, और आपने इतने बड़े बड़े नाम लिए हैं तो कम से कम वैसा कुछ आपको विजुलाइज तो करना चाहिए था। मनोज, जिन्होंने ये सारी बातें आपको बताई कि मेरा ये विजन है, तो जो रामायण है उससे कितनी हटकर है। एक मिनट, कुछ मित्रों के कमेंट्स आ रहे हैं, मैं सारे के सारे कमेंट्स बाद में एक साथ मिलूंगा, तो आपके जो भी प्रश्न है वो आप पूछ सकते हैं बाद में, मैं एक 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 जो भी प्रश्न आए हुए हैं वो देखूंगा। तब तक हम देख लेते हैं आगे क्या हुआ। इसका स्पीड थोड़ा सा मैं और बढ़ा लूं क्या, 1.5 है, 1.75 कर लेता हूं, जल्दी पूरा हो जाएगा। ये फिल्म और जो इन्होंने बताया वो सब शामिल करने की कोशिश में कितनी खड़ी है ये फिल्म। एक इंच में, एक सेंटीमीटर नहीं, एक मिलीमीटर नहीं, वो रामायण जब मैं रामायण कहता हूँ तो मेरे लिए, क्योंकि जिस दौर में मैं पैदा हुआ तो सबसे पहला जो एक्सपोजर मेरे लिए रामायण का था वो आदरणीय रामानंद जी का रामायण थी, इसी जन्म एरिया में उसको देख रहे हुए। फिर उनके बाबा के रामायण को हमारे टेक्स्ट बुक पढ़ते थे, इसीलिए हमारे रामायण का पाठ होता था, अखंड रामायण आए दिन हुआ ही करती थी। और जब और बड़ा हुआ तो वाल्मीकि रामायण पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, मैंने कम रामायण भी पढ़ी। सवाल ये आता है कि हमने फिल्म में क्या हम ओरिजिनल रामायण से हटे हैं, क्या हमने उसको मॉडर्नाइज करने का कोई प्रयास किया है, क्या हमने कोई अलग टेक लिया है, तो इसका सीधा जवाब दिया जाएगा बिल्कुल नहीं। जो रामायण लोगों ने सुनी है, पढ़ी है, देखी है, एग्जैक्टली वही रामायण है, कुछ भी अलग नहीं। तो ओम, आप कह रहे हैं कि आपका जो विजन था और हर फिल्म मेकर का एक विजन होता है, उसको जब आपने पढ़े उतारने की कोशिश की, और जिस तरह की आप बता रहे हैं कि आप जो करना चाह रहे थे कि आप एक ऐसी जनरेशन से बात कर रहे थे, उसकी भाषा को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे सिनेमा के तौर पर, उसमें आपको लगा कि आप जो रामानंद सागर की रामायण है उससे कहीं हट रहे हैं, या उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो शायद आज के लोगों को, आज के युवा को, बच्चों को समझ में ना आए, उसको सरल करें? सर, मैं इसको दो तरीके से इसका सवाल का जवाब दूंगा। जब हमने रामानंद सागर सर की रामायण लिखी थी जब मैं छोटा था, तो वो बहुत अद्भुत थी। मैं देख के हम सब बहुत मेसमराइज हो चुके थे, बहुत ही अमेजिंग ऐसा फीलिंग आ रहा था। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि उसमें बहुत मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज की थी, जो हमने नॉर्मली देखी नहीं थी टेलीविजन पे, या हमारे भारत में तो हमने वो देखी नहीं थी। एक तीर आता है, एक तीर में से 10 तीर होते हैं, 10 तीर में से 100 तीर होते हैं, फिर जाके एक दूसरे से टकराते हैं, फिर ये हमने देखा नहीं था, ये हमको पता नहीं था। जिस तरह से उन्होंने तब वो जमाने की मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज करी, वो जमाने के जो स्पेशल इफेक्ट्स थे वो उन्होंने उनके इसमें यूटिलाइज किए। क्यों किए? क्योंकि उनको वो आगे तक लोगों को बतानी थी, और उन्होंने जैसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज किया उसी तरह आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो आज के युवा देखते हैं, जब वो फॉरेन की फिल्में देखते हैं तो उनका लुक एंड फील, उनका अपील क्या होता है, उनको वो सिनेमा क्यों भाता है? जब ये थॉर के फैंस है, कैप्टन अमेरिका के फैंस है, आयरन मैन के फैंस है, हल्क के फैंस है, तो हमारे भी सुग्रीव है, अंगद है, नल है, नील है, जांबुवंत है, हमारे भी वानर वीर है, हमारे भी वानर सेना है, उनके भी वो फैन होने चाहिए। तो अगर उनको मैं उनकी भाषा में, मैंने से भाषा आई मीन सिनेमेटिक लैंग्वेज, एंड आगे जाके उसके ऊपर क्या रिसर्च करना है, उसको कैसे भाना है, तो रामायण अपने जीवन के हर अलग आयु में अलग समझिए। चलिए, ये तो आपने बड़ा अच्छा किया कि एकदम शुरुआत में साफ कर दिया कि आपके लिए ये चुनौती थी कि आप आज के जो युवा हैं उनसे कैसे संवाद स्थापित करें, उन तक कैसे अपनी बात पहुंचाएं, और उसके लिए चुनौतियां समझ में आती हैं। जो सबसे यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा रुकते हैं, फिर से ओमराव जी ने बड़े बड़े सुपर हीरोज वगैरह के नाम लिए और कहा कि आज की युवा पीढ़ी वो फॉरेन की फिल्में वगैरह देखती है, तो वैसा कुछ उन्होंने मॉडर्न या मॉडर्न टेक, तो मनोज मुंतशिर जी ने कहा कि हमने कोई मॉडर्न टेक नहीं लिया है, जैसा है वैसा ही रामायण को प्रस्तुत किया है। ओमराव जी कह रहे हैं कि जो बाहर के फिल्में देखकर उनको सुपर हीरोज मानते हैं, तो वैसा कुछ भाव रामायण देखकर नई जनरेशन के मन में ऐसा वो चाहते थे। पर भाई जो टीजर में दिख रहा है उसके विजुअल्स आप देखिए, वो लिटरली बहुत ज्यादा बचकाने लग रहे हैं। इवन यूट्यूब पर ही कई सारे एनिमेशन स्टूडेंट्स हैं, उनके चैनल है, उन्होंने कुछ सेकंड की, 30 सेकंड के, 1 मिनट के, 1.5 मिनट के ऐसे छोटे छोटे वीडियोज बनाकर डाले हुए हैं, 3D वीडियोज भी डाले हुए हैं। आप उन क्लिप्स को देखिए, वर्ल्ड क्लास एनिमेशन दिखाई देता है। और अभी आप यहाँ पर जो कुछ भी वो देखने को मिल रहा है वो सच में मजाक लग रहा था, मजाक लग रहा था, लग ही नहीं रहा कि सच में, मुझे तो अभी भी लग रहा है कि कुछ प्रैंक चल रहा है शायद सबके साथ में, ऐसा कुछ बना कर रखा है।
चलिए आगे, इससे ज्यादा हल्ला हो रहा है वो रावण पर हो रहा है, रावण के लुक पर हो रहा है। आपको आपको क्या कहना है? जी रावण मेरे लिए एक क्रूर दुराचारी आसुर है, दुष्ट आसुर है। और जब हम पुराने जमाने के पेंटिंग्स भी देखते हैं या हम पुराने जमाने के अगर हम फिर से रावण सागर सर के रामायण का अगर रेफरेंस ले ले तो वो सब में उनको राक्षस के तौर पर दिखाया। और राक्षस कैसे था? उसकी बड़ी बड़ी मूंछें थी, उसके बड़े बड़े बाल थे, वो बहुत ही ऐसा एक अबनॉक्शियस जिसे कहते हैं वैसे वैसे दिखाया गया था। अब आज के जमाने में आज की पीढ़ी अगर मैं वैसी मूंछें और वैसे बाल अगर दिखा देता हूं तो वो उनको वो बहुत बहुत हो चुका, बहुत सालों तक नहीं चुका। आज के युवाओं, आज की पीढ़ी, आज की जो युवक है उनकी पीढ़ी को जो नेगेटिविटी क्या है, रावण नेगेटिव नहीं है, डेफिनेटली नेगेटिव है, शायद सबसे बड़ा विलन है रावण। तो वो नेगेटिविटी, वो जो कैरेक्टर आर्टिस्टिक इंप्रेशन के तौर पे मुझे वो नेगेटिव ऐसे दिखा है, तो वो नेगेटिविटी मैंने वो किरदार में डाली है, वो जो कैरेक्टर है वो कैरेक्टर मैंने उस हिसाब से दिखाया है। बाकी इसके ऊपर दूसरा कुछ इसका मतलब कृपया ना निकालें, क्योंकि इसका दूसरे से मतलब निकालने का कोई मतलब नहीं है। अभी यहाँ पर रुकते हैं। अब उन्होंने कहा कि उस समय नेगेटिविटी, नकारात्मकता या उसकी तरफ देखने का दृष्टिकोण वैसा था, इस कारण से रावण को वैसा पोर्ट्रेट किया गया था समय समय पर, जो कुछ पेंटिंग्स वगैरह हम देखते हैं या जो भी अलग अलग जगहों पर हमें देखने को मिलता है। मेरे अनुसार ये पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि आप कोई मॉडर्न टेक लेकर रामायण पर आज के आधुनिक युग में स्थित कोई कहानी नहीं लिख रहे हैं। आप आज से कह रहे हैं ना 7000 वर्ष पहले के समय को, आप उसको पुनर्जीवित कर रहे हैं दृश्यों के माध्यम से, उस समय में दर्शकों को लेकर के जाना चाहते हैं। तो जब आप पुराने समय में लेकर के जाना चाहते हैं तो वो उन कैरेक्टर्स को जैसे वे उस समय थे वैसा ही दिखाना आवश्यक है। और मतलब आज के युवाओं को ऐसा लग रहा है जैसे वो आज की जनरेशन को बिल्कुल बेवकूफ समझ रहे हैं। पहले दिवांग जो प्रश्न पूछ रहे हैं उन्होंने भी ये कहा कि भाई रामानंद सागर जी की रामायण जैसी थी उसकी अपेक्षा आज के युवाओं को क्या आप सरल करके समझाना चाह रहे थे? थोड़ी देर पहले प्रश्न पूछा, देखिए सरल करके समझाना चाहते थे का क्या मतलब है? मतलब आप क्या ऑडियंस को बिल्कुल ही ना समझ रहे हैं, उनको जैसे कुछ समझ में ही ना आता हो? रामानंद सागर जी की रामायण में कौन सी जटिलता थी? उल्टा उसके जितना सरल तो कोई चीज हो ही नहीं सकती, उल्टा आपने कॉम्प्लिकेट कर दी सारी चीजों को। तो इसमें सरल करना तो कहीं से भी नहीं था। और जो जिस प्रकार से रावण को विजुलाइज किया है वो नकारात्मकता आप जिस प्रकार से दिखाना चाहते थे वो सही नहीं लग रही है, क्योंकि आप कोई आधुनिक युग में स्थित कहानी नहीं लिख रहे हैं रामायण पर आधारित, आप पुराने समय में दर्शकों को लेकर के जाना चाहते हैं और उस समय की दृष्टि से वो बालों का हेयर कट वगैरह वो सही नहीं लग रहा है। तो बहुत हो चुका, तो इस तरह से जब बहुत हो चुका की बात आती है तो आप एक नई सीमा खोजते हैं, टटोलते हैं, नई संभावनाएं देखते हैं। आपने उसको कैसे समझा और आपने उसको कैसे दिखाने की कोशिश की? मेरे लिए राम इस ब्रह्मांड के सबसे बड़े नायक हैं, और मेरे लिए रावण इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा खलनायक है। मेरे लिए रावण कौन है? मेरे लिए रावण वो है जो ठीक है, प्रकांड विद्वान था, शिव भक्त था, ये सब बातें हैं, बातें ठीक है, लेकिन ये बातें मेरे लिए वही मैटर करना बंद हो जाती हैं जहां उसने मेरी मां का हरण किया, जहां वो मेरी मां सीता को उनके पिता का गर्भ उठाकर ले गया। वही रावण का कि विधवा उसकी ग्रेटनेस, उसकी महानता मेरे लिए मैटर करती है। और जब लोग ये कहते हैं कि देखो रावण की अच्छाई देखो, अच्छाई है कि जब उसने मां सीता को लंका में कैद करके रखा था तो कभी उसको हाथ नहीं लगाया, उनके पिता का गर्भ चक्की वो क्या है, वो जो चाहता करता पर हाथ नहीं लगाया। हाथ इसलिए नहीं लगाया कि ब्रह्मा जो रावण की पुत्रवधू थी, जब रावण ने उसके साथ दुष्कर्म किया तो ब्रह्मा ने श्राप दिया रावण को, यदि आज के बाद तुम किसी स्त्री को उसकी इच्छा का विरुद्ध स्पर्श करोगे तो तुम्हारा सारा पेट का प्रॉब्लम बिगड़ जाएगा, उस श्राप का डर इसलिए हमने लगाया। तो रावण ग्रे नहीं है, रावण में अच्छाई ढूंढने के लिए मुझे कोई एंगल मिला और मैंने कोई अच्छाई ढूंढने की कोशिश नहीं की, रावण में ब्लैक रावण आके यहाँ पर रुकना चाहूंगा। देखिए मैंने जो कहा ना वीडियो की शुरुआत में ही कि इंटेंशंस पर मुझे पहले डर था, मतलब जो मधु मंटेना की रामायण वगैरह आने वाली है, वो महाभारत में भी द्रौपदी के पॉइंट ऑफ व्यू से महाभारत दिखाने की बातें वगैरह की गई थी, तो वो उनके इंटेंशंस पर मुझे भरोसा नहीं था, पर यहाँ पर मुझे इंटेंशंस पर विश्वास था उमराव जो मनोज मुंतशिर जी के। तो वो वहां पर हमें इस इंटरव्यू में वो बोल रहे हैं, इस बात की मुझे प्रसन्नता है कि आज के समय के बहुत सारे युवा ऐसे हैं जो कुछ वामपंथी प्रोपेगेंडा के कारण भी रावण को एक प्रकार से कुछ ना कुछ किसी ना किसी प्रकार से ग्लोरीफाई करते हैं, जबकि वाल्मीकि रामायण में भी आता है कि रावण ने कई सारे महिलाओं के साथ दुष्कर्म किए थे, बलात्कार किए थे, इवन लंका में देवताओं को तो उसने सभी के सभी देवताओं को तो बंदी बनाकर रखा ही था, कई सारी महिलाओं को भी उनकी इच्छा के विरुद्ध बंदी बनाया हुआ था, शील भंग किया था, ये सारा वर्णन आता है। तो बिल्कुल सही बात है, रावण को कहीं से भी किसी भी प्रकार से ह्यूमनाइज करना, जस्टिफाई करना ये गलत ही है। और हमारी संस्कृति में आप बाहर से कितने बड़े ज्ञानी हैं, पंडित हैं, आपको कितने बड़े बड़े श्लोक रटने आते हैं, इससे कोई व्यक्ति बड़ा या छोटा नहीं होता है। हमारी संस्कृति में आपकी जो तथाकथित विद्वत्ता है ज्ञान की, वो मायने नहीं रखती है, आपके चरित्र को वो बातें परिभाषित नहीं करती है। आप अपने मूल्यों पर, अपने आदर्शों पर, अपने धर्म पर कितने अड़िग है, कितने दृढ़ है,
ये बातें किसी भी मनुष्य की कि वो कितना महान है उस बात की परिचायक होती है, उसको परिभाषित करती है। तो ये मुझे अच्छी बात है, उन्होंने ये सब बातें यहाँ पर कम से कम प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर रहे हैं। अब पता नहीं उन्होंने रावण ने जो बलात्कार आदि किए थे, रंभा जो रावण की ही पुत्रवधु थी, वो सब बातें उन्होंने फिल्म में दिखाई है या नहीं पता नहीं, पर कम से कम प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये बातें नई पीढ़ी के सामने आ रही है और वामपंथी प्रोपेगेंडा से वो बचेंगे कम से कम। क्योंकि देखिए कई सारे जो लेफ्टिस्ट है, विशेषकर जो द्रविड़ियन पॉलिटिक्स को सपोर्ट करते हैं, उनका ये हमेशा से ही प्रोपेगेंडा रहा है कि रावण को ह्यूमनाइज करना, प्रभु श्री रामचंद्र जी को मिसोजिनिस दिखाना और सो कॉल्ड कंसेंट की बातें करना कि भाई राव आजकल जो कंसेंट वगैरह कहते हैं ना, तो माँ सीता ने नो कहा था इसलिए रावण ने स्पर्श नहीं किया, ये जो कुछ झूठ वगैरह फैलाया जाता है वामपंथियों के द्वारा, विशेषकर जो द्रविड़ियन पॉलिटिक्स को सपोर्ट करते हैं उनके द्वारा, कम से कम वो बातें आज की युवा पीढ़ी के दिमाग से निकल जानी चाहिए। तो ये बात एक अच्छी हुई, भले ही फिल्म का टीजर तो हर प्रकार से निराशाजनक ही लग रहा है, पर चलो ये बात तो कम से कम एक मुझे पसंद आई, ये इसके माध्यम से ये सब बातें सामने आई है। ये जो लोग कह रहे हैं कि भाई ये अलाउद्दीन खिलजी जैसा लगता है, हमने तो ऐसे नहीं सोचा, हमने अलाउद्दीन खिलजी ऐसे कुछ करने के बिल्कुल मतलब ऐसे अब ये बोल रहे हैं लोग, मैं भी सुन रहा हूँ उसके बारे में, ऐसा बिल्कुल भी कुछ थॉट नहीं था। और दशानन दशमुनि का जो जो एक राक्षस है, आसुर है, वो मुझे कैसे दिखता है, तो वो दैट इज हाउ आई ट्राइड टू डू इट। वी आर जजिंग द बुक बाय इट्स कवर, हमने 95 सेकंड का टीजर देखा हुआ है, 95 सेकंड के टीजर पे हम लगा है कि हम सब कुछ जानेंगे इसके बारे में। मैं एक बात बड़ी गंभीरता से कहना चाहता हूं कि अगर ये खिलजी है, अगर खिलजी का लुक है, तो मैंने तो कभी खिलजी को त्रिपुट लगाए हुए नहीं देखा, आपको कंस देखना चाहिए, आपको दुर्योधन देखना चाहिए, जितनी बुराइयां हैं वो सब साकार रूप में रावण में है, वो बुराई का प्रतीक है, ऐसे ही दिखता है। जैसे हम बात कर रहे हैं, उन लोगों की तस्वीरें भी देख रहे हैं जिसमें आपके रावण में दिखाई दे रहे हैं, दाढ़ी रखी है, थोड़ा सा गंजे भी हो गए हैं, आपने मुकुट भी एक तरीके से हटा दिया है, थोड़ा गोरे भी हैं ये, तो ये सब बदलाव आपने कुछ नया करने की अलग करने की कोशिश में की? नहीं सर, बदलाव ये शब्द मुझे मंजूर नहीं है, तो मैं बदलाव के ऊपर कमेंट नहीं करूंगा, पर जैसे कि मैंने पहले भी कहा है, व्हाट इज रामायण, रामायण का है बुराई पर अच्छाई की जीत, पर ये सैफ अली खान ऐसे दिखाई दे रहे हैं ना पर्दे पर, हम जो ये देख रहे हैं एब्सोल्युटली बुराई पर सच्चाई की जीत, जो रावण का जो मैंने लुक बनाया है मेरे लिए वो ईवल है, वो ईवल का प्रतीक है और वहीं वहीं तक छोड़े, बाकी उसके ऊपर जो उसकी जो जो नैरेटिव की जो जो स्ट्रक्चर है, अगर आपने ये चेंज किया है तो वो भी चेंज, ये एक्सट्रापोलेशन करने की जरूरत। मैं आपके दर्शकों को, जो सब मेरे हिंदू भाई बहन माता भगिनी है, मैं उनसे एक ही चीज कहना चाहूंगा कि जैसे आप हिंदू हैं वैसे मैं भी हिंदू हूँ, आप जो जो बोल रहे हैं मैं सब सुन रहा हूँ, हम सुन रहे हैं, हम उसको नोट करके रख रहे हैं। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा, 12 जनवरी 2023 को जब फिल्म सिनेमाघरों में आएगी, तब मैं आप किसी को निराशा नहीं पहुंचाऊंगा, आप सब हमारे बड़े बुजुर्ग और आपके आशीर्वाद हमारे साथ बने रहे, हमें रामायण नई पीढ़ी तक ले जाना है और विश्व में सब जगह दिखाना है। अगर मैं मुझे सच में इतना बुरा लग रहा है ना अभी ओम राउत जी के लिए, सच में देखिए वो जो भी बोल रहे हैं, मनोज मुंतशिर जी ने कहा कि 90 सेकंड का टीजर है उसे आप जज नहीं कर सकते, पर भाई हमें दिख रहा है कि वो जो काले काले जो चमगादड़ उड़ रहे हैं उनको कोई ढंग का शेप नहीं है, वो कैसे दिख रहे हैं, कितने विचित्र से दिख रहे हैं, और आप बड़ी बड़ी लॉर्ड ऑफ द रिंग्स वगैरह दूसरी बातें कर रहे हैं, कहां से आप कंपैरिजन कर रहे हैं? भले ही आपका जो नरेटिव का स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल सही होगा, आपने कहीं पर भी जो पात्रों की मूल भावना है उसके साथ छेड़छाड़ नहीं की होगी, या वामपंथियों की तरह कहीं पर भी रावण को ह्यूमनाइज करने का प्रयास नहीं किया होगा, ये सब बातें बहुत अच्छी है और इसके लिए बिल्कुल वो तो पहले से ही आपके इंटेंशन पर कोई संशय था ही नहीं, परंतु जो विजुअल्स दिख रहे हैं ना, ना ना वो किसी मजाक से कम नहीं है, और इसी कारण से बुरा लगता है। बुरा इस कारण से लग रहा है कि आपके इस ये चीज खराब बनने के कारण कई गलत लोगों को ताकत मिली है, और राष्ट्रवादी फिल्म मेकर्स अगर खुद के ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारेंगे तो भाई फिर कहां है, तो इंडस्ट्री में वैसे ही कोई राष्ट्रवादी फिल्म मेकर्स नहीं है, कई लोग तो खुद चाह रहे थे कि आपकी फिल्म फ्लॉप हो और आपने तो उनका काम आसान कर दिया ये बनाकर। इतने खराब विजुअल्स कम से कम एक महीना और रुक जाते ना, ठीक है दशहरे पर आप नहीं कर पाते टीजर रिलीज, कोई दिक्कत नहीं थी, एक महीने बाद कर देते आप, पर जो आपने फर्स्ट इंप्रेशन एक अच्छा होना चाहिए यार, फर्स्ट इंप्रेशन में ही आपने निराश किया है, और आपके जो भी सच में दया आ रही है, मुझे दुख हो रहा है देखकर, एक तो वैसे भी कोई राष्ट्रवादी फिल्म मेकर्स नहीं है, दूसरी तरफ जो कम्युनिस्ट फिल्म मेकर्स है या जो वामपंथी विचारधारा के फिल्म मेकर्स है वो तो बड़ा सटल वे में अपना एजेंडा प्रोपेगेंडा चलाकर निकल भी जाते हैं, उनके विरोध पर उनकी उनकी आलोचना जितनी होनी चाहिए वो तो होती नहीं है, दूसरी तरफ सब लोग अपनी शक्ति कहीं और ही खर्च करनी पड़ रही है,
चलिए यार, और जैसे कि मैंने मणिरत्नम की रावण का भी उदाहरण दिया था जिसकी अभी पोनियन सेल्वन वन रिलीज हुई है पिछले ही हफ्ते। मणिरत्नम ने 2010 में रावण नाम की फिल्म बनाई थी, अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय उसमें मुख्य भूमिका में थी हिंदी वर्जन में, और तमिल वर्जन में एक्टर विक्रम मुख्य भूमिका में थे। उस फिल्म में तो कितनी विकृत बातें दिखाई गई थी, उसमें रावण को ग्लोरीफाई करने का प्रयास किया था, प्रभु श्री रामचंद्र जी को रावण की जगह दिखाने का प्रयास किया था, बिल्कुल निगेटिव शेड दिया था प्रभु श्री रामचंद्र जी को। उसके अलावा लक्ष्मण जी जिन्होंने 14 वर्ष वनवास में पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन किया था, उन लक्ष्मण जी को शूर्पणखा का बलात्कार करते हुए दिखाया है, और केवल बलात्कार नहीं, लक्ष्मण जी को शूर्पणखा से इंस्पायर्ड जो कैरेक्टर है, लक्ष्मण जी मतलब डायरेक्टली लक्ष्मण जी नहीं दिखाए हैं, लक्ष्मण जी से इंस्पायर्ड कैरेक्टर की मैं बात कर रहा हूं, एक मॉडर्न टेक सो कॉल्ड मणिरत्नम ने लिया था, तो लक्ष्मण जी से इंस्पायर्ड जो कैरेक्टर है उसको बलात्कारी दिखाया है, वो शूर्पणखा से इंस्पायर्ड जो कैरेक्टर है उसको उठाकर पुलिस स्टेशन लेकर के जाता है। पुलिस स्टेशन में सब मुझे वो बोलने में भी शर्म गलत लगता है, सब सामूहिक दुष्कर्म करते हैं, गैंगरेप वो दिखाया गया है। और फिर उसके बाद में मतलब शूर्पणखा को रेप विक्टिम दिखाया है, लक्ष्मण जी को बलात्कारी, और राम जी को निगेटिव, रावण का महिमा मंडन, ये सब बातें 2010 में उस फिल्म में दिखाई गई थी। सोचिए ये हुआ था, तो ऐसी चीजों की आलोचना करना छोड़कर, जो अच्छे इंटेंशन से चलो आपने अच्छी चीज बनाई है पर जो विजुअल्स खराब हुए ना उस कारण से, जो अच्छी बातें भी है उसकी आलोचना करनी पड़ रही है लोगों को, तो ये नहीं होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था। सच में आपकी फिल्म से वो अपेक्षाएं थी, पर वो दुख हो रहा है कि आप ये जो हो रहा है वो देख, सच में दुख हो रहा है। मैं कह रहा हूँ कि मुकुट हटा दिया, अगर मैं कह रहा हूँ कि गोरा हो गया, अगर मैं कह रहा हूँ दाढ़ी रख दी, ये भी तो सच है। जी जरूर सच है, वो तो दिख रहा है, करेक्ट, वो तो दिख रहा है। पर क्या करा आप 95 सेकंड से टीजर लेके बात कर रहे हैं, मैं आपको वही बोल रहा हूँ कि आप पूरी फिल्म देख लें, आप जब पूरी फिल्म जनवरी में देखेंगे तब आपको शायद इसमें आपत्ति ना हो, तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ जरूर 95 सेकंड का टीजर है, और उस 95 सेकंड में सिर्फ यही रावण ही नहीं है, और भी लोग हैं जी, रावण का सपोर्ट भी काम है जी, और ये फिल्म से ही है जी जरूर, और ये रावण ही है जी जरूर, तो ये बचाव नहीं हो सकता कि आप 95 सेकंड का सिर्फ बचाव, मैं सिर्फ लुक की बात कर रहा हूँ सर। जैसे मैंने कहा फिर से वही दोबारा, मुझे नेगेटिविटी ऐसे दिखती है, मुझे नेगेटिविटी ये मेरी मेरी सिनेमेटिक आर्टिस्टिक प्रेजेंटेशन है, ये आपको इसी तरह से दिखाई देती है नेगेटिविटी, नकारात्मकता। चलिए ओम राव जी ने ये नेगेटिविटी इस प्रकार से भी दिखाई होती, वो भी अच्छे विजुअल्स होते हैं ना कम से कम, तो भी कुछ नहीं होता, विजुअल्स बचकाने हैं, केवल बचकाने नहीं, वो मजाक है, लिटरली मजाक, जैसे किसी ने प्रैंक किया हो। और मैं तो अभी भी ये आशा कर रहा हूं कि कहीं ना कहीं किसी दिन ओम राव जी सामने आकर कहे कि भाई आपके साथ प्रैंक किया गया था, असली टीजर बाद में आने वाला है, लिटरली इतने इतने घटिया विजुअल्स है। मुझे आसुर ऐसे दिख रहा है, ठीक है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, और आप तो इनको जानते भी होंगे, देवदत्त पटनायक हैं, और उन्होंने कहा कि रावण को दुष्ट या बुरा या मुगल रूप में जो दिखाया है तो उससे जो ब्राह्मण है वो नाराज हुए हैं। ये देवदत्त पटनायक नाराज हुए होंगे? देवदत्त पटनायक तो वैसे भी वामपंथी विचारधारा से ही है, अपने आप को सो कॉल्ड मैथोलॉजी का बहुत ज्ञानी वगैरह कहते हैं, और हिस्ट्री को मैथोलॉजी कहते हैं, वही सबसे प्रॉब्लमेटिक बात है। तो देवदत्त पटनायक का तो वैसे इंप्रेशन लेने का कोई अर्थ नहीं था, पता नहीं क्यों लिया गया यहाँ पर। सवाल ब्राह्मणों का है, तो ब्राह्मणों का शजरा भगवान परशुराम से मिलता है। मैं ऐसे ब्राह्मणों को नहीं जानता जो इस बात पर गर्व करें कि मैं रावण की वंशावली से आता हूं, मैं रावण की वंशावली में जन्मा हूं। रावण से अपना रिश्ता जोड़ने वाले ब्राह्मण भारतवर्ष में नहीं है, और अगर है तो मैं उनसे असहमत हूं। मैं कम से कम अपने लिए कह सकता हूं सनातनी ब्राह्मण हूं, गर्भ गोत्र से आता हूं, मनोज कुमार शुक्ला का नाम है, और मैं रावण के वंश नहीं हूं, और मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूं। और यह ऐसा भी है कि शायद ब्राह्मणों को यह बात बताई जानी चाहिए, नाराज होना चाहिए, मैं नहीं मानता हूं नाराज। क्या आप वाकई में ये कह रहे हैं कि आपका जो टीजर आया उससे कोई नाराज नहीं है? देखिए, ये जो वामपंथी हमेशा से ही हिंदुओं को जात पात में किसी न किसी प्रकार से बांटने का प्रयास करते हैं। अब देवदत्त पटनायक का ये प्रश्न क्यों लिया पता नहीं, क्योंकि वैसे भी कोई सीरियसली लेने का प्रश्न ही नहीं उठता देवदत्त पटनायक को, और वो ब्राह्मण नाराज हो रहे हैं इसमें कोई लॉजिक ही नहीं इस प्रश्न में, तो वो क्यों लिया है पता नहीं, ये प्रश्न कोई मतलब ही नहीं था उससे लेने का। कहां से ब्राह्मण नाराज, क्या लेकर के आ गए हैं? कुछ जोड़ा जाएगा तब वो नाराज होगा, एक दुष्कर्मी से, एक पतित से, एक अधर्मी से कोई ब्राह्मण अपना रिश्ता क्यों जोड़ना चाहता है? क्यों कोई ब्राह्मण चाहता है कि मैं रावण की वजह से जाना जाऊंगा? कुछ लोग नाराज है
कुछ लोग ऐसे भी नाराज नहीं है, मिक्स रिएक्शन है, लेकिन इस मिक्स रिएक्शन में जो लोग हमसे असहमत हैं उनको हम शोर नहीं कहते, उनको आवाज कहते हैं, उनकी आवाज अंदर रखना चाहिए, उनकी हर बात का, उनकी हर राय का सम्मान है, उनकी नाराजगी का भी सम्मान है। और देखिए देवान जी, ऐसा नहीं है कि वो लोग और हम लोग कोई लाइन है, कोई लकीर नहीं खींची हुई है, हम उनकी तरफ है, वो हमारी तरफ है, हम अलग लोग नहीं। अगर मैं इसको बहुत सिंपली ये बात समझना चाहूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगर ये लड़ाई है भी, अगर ये मतभेद है भी, तो ये एक घर की लड़ाई है, हमारे सनातन को जिसको हम बहुत बड़ा घर मानते हैं उसकी लड़ाई है, हम घर के अंदर। हमने सवाल पूछा ट्विटर से और ट्विटर में बहुत लोगों ने सवाल भेजे और ये सवाल कई लोगों ने भेजा, मैं इनका नाम पढ़ देता हूँ, दिलीप पांडे, श्वेता चौहान, रोहित पटेल, हिमांशु यादव, नवीन दुबे, और इनका सवाल है कि सोने की लंका को अंधेरी गुफा जैसा क्यों दिखाया? सर जो लेस देन 100 सेकंड्स का जो टीजर देख रहे हैं उसमें लंका सिर्फ कुछ वॉर के सीन से दिख रही है, युद्ध में दिख रही है, और ये जब सेक्शन आ रहा है तब वो रात का सेक्शन है और ये लंका नहीं है, लंका पैलेस नहीं है, ये वॉर का सेक्शन है, ये वॉर फील्ड है, युद्ध भूमि है। अगर एक्सप्लेनेशन देना चाहूँ तो ये युद्ध भूमि है। आपकी प्रस्तुति में हम नया क्या एक्सपेक्ट करें? और दूसरा ये कि आपने जो रिसर्च किया है इस फिल्म के लिए तो उसमें आपने कौन सी रामायण को अपना आधार बनाया है? तुलसीदास जी के श्रीरामचरितमानस को, वाल्मीकि की रामायण को, कम रामायण को, या फिर दंतकथाओं को? जो पहलू आते हैं, जो जिसे हम बीट पॉइंट्स कहते हैं, जो जो स्क्रिप्ट के जो एक पड़ाव होते हैं वो वैसे के वैसे, उसमें कुछ बदलाव नहीं किया गया, बट ये जरूर मैं कहूंगा ये स्टोरी टेलिंग जो है वो बहुत ही सहजता से और सरलता से हमने हमने पेश करने की कोशिश की। ये जरूर कहूंगा कि इसमें जो कुछ विजुअल्स है वो बहुत नेत्र दीपक है, इसमें जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत ही लार्जर देन लाइफ है, पर अगर मैं इसकी नरेटिव की बात करूं, अगर स्टोरी की बात करूं, तो इट इज एग्जैक्टली व्हाट यू आई एंड ऑल ऑफ अस हैव रेड सिंस आवर चाइल्डहुड। विरोध है वो इस बात का भी है कि आपने उस विमान को ऐसा बना दिया जिसमें लग रहा है कि वो या तो विशालकाय ड्रैगन है या वैम्पायर है या कुछ एक। ये प्रश्न भी गलत है क्योंकि वो स्पष्ट दिख रहा है कि ये कोई पुष्पक विमान नहीं है, तो ये जबरदस्त ये प्रश्न क्यों लिया पता नहीं, क्योंकि इससे पहले भी पिछली बार आदि पुरुष फिल्म को लेकर लाइव जब हमने चर्चा की थी उस समय भी कुछ मित्रों ने प्रश्न पूछा था कि ये पुष्पक विमान को चमगादड़ जैसा क्यों दिखाया है, तो ये कोई पुष्पक विमान नहीं है वो पता ही चल रहा है, ये शायद कहीं पर वॉर में युद्ध के समय का कोई ऐसा सीन होगा, तो ठीक है अभी वो प्रश्न क्यों लिया पता नहीं। आपको नहीं लगता कि आप बहुत हट गए ओरिजिनल से उसमें? सर देखो अभी कैसे है कि मायावी है रावण, मायावी एक मायावी असुर है, तो वो क्या क्या करता है और वो कैसे क्या कर रहा है, उसकी जो राइड जिसे कहते हैं उसका जो वाहन जो है वो वाहन उस हिसाब से बनाया गया है कि वो एक क्रीचर है और वो क्रीचर के ऊपर वो फ्लाई करता है। क्रीचर ढंग से तो दिखाना था ना, चाहे कोई भी क्रीचर आप दिखा देते ढंग से तो दिखा देते हैं। दैट्स अबाउट इट। इसी तरह से आप देखिए मध्य प्रदेश में गृहमंत्री बोल रहे हैं कि जो हनुमान का लुक है वो उन्हें बिल्कुल ठीक नहीं लगा, उनको कहना है कि आपने चमड़े के कपड़े उनको पहना दिए जो बिल्कुल गलत है, ये आपके संज्ञान में है ये बात? बिल्कुल, मैंने नरोत्तम मिश्र जी का वो जो उनकी बाइट थी मैंने बिल्कुल सुनी है, पहली बात तो ये कि उनका बड़ा सम्मान करते हैं और उनकी आस्थाओं का सम्मान करते हैं। चमड़ा लेदर की बात हो रही है, लेदर नहीं है जो हनुमान जी ने धारण किया हुआ है वो लेदर नहीं है, वो कैनवस है, और ये बात हम बड़ी विनम्रता के साथ कहना चाहते हैं कि हो सकता है कि जो उसका टिंट है उसका कलर पैलेट है वो लेदर की तरफ जा रहा हो लुक और फील के हिसाब से, पर वो लेदर नहीं है, वो कैनवस है। हम लेदर कैसे डाल सकते हैं और वो जो कलर है उसके हिसाब से शायद कोई लोगों को ये कंफ्यूजन हो सकती है कि वो शायद लेदर से दिख सकता है पर वो लेदर है नहीं, आप क्यों? पहली बात तो चलो लेदर नहीं है वो एक अलग बात हो गई, पर जो लुक आपने दिया है हनुमान जी का कहीं से भी वो भक्तिभाव नहीं जग रहा ना। आप देख लीजिए कई सारे, आप अभी गूगल पर सर्च करिए, कई सारे ऐसे जो कुछ ऐसे एनिमेशन स्टूडेंट्स ही मैंने कहा था अपनी एक कुछ ऐसा आर्ट उन्होंने बनाया हुआ है हनुमान जी को लेकर, प्रभु श्री रामचंद्र जी को लेकर, कितने सारे ऐसे फेमस आर्ट आपको देखने को मिल जाएंगे गूगल पर ही एक सिंगल सर्च में, और कितना सुंदर लुक आप दे सकते थे, कितना भव्य, ऐसा देखकर ही पूरा मन में ऐसा भक्ति भाव से भर जाए, 90 सेकंड के टीजर की भी आवश्यकता नहीं, एक पोस्टर देखकर ही कई बार मन में ऐसा पूरा भाव जग जाते हैं, कई सारे ऐसे आर्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। आपने वो लेदर वगैरह वो सब अलग बात है, पर जो लुक दिया है ना वो कहीं से भी वो भाव नहीं जग रहा, इसी कोशिश में आपसे गड़बड़ियां, ऊपर से पूरा डल लग रहा है, हो रही है कि आप खुद कह रहे हैं कि ये बात हो ही नहीं सकती, हो सकता है कुछ लोगों को लग रहा हो, ये जो गुंजाइश है ये क्यों नहीं आपने खत्म की? मुझे लेदर नहीं दिख रहा सर, क्योंकि ना मैंने लेदर यूज भी किया है, हमने लेदर यूज किया ही नहीं है, ना मुझे लेदर दिख रहा है सर, तो हमने 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 तो वैसे सोच के किया ही नहीं है, जो 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 पानी आपने पिया ही ना हो उसकी टेस्ट आप कैसे जान सकते हैं, और आप ये जानते हैं कि इसको लोग देखेंगे और अलग अलग तरफों के लोग देखेंगे, अलग अलग है, मेरी पूरी टीम ने देखा है, 100 से अधिक लोग ने पोस्ट में देखा है, 300 साढ़े 300 लोग हम सेट पे काम कर रहे हैं एवरीडे, उन्होंने सबने देखा है, हमको किसी को वैसे नहीं दिखा। गलत क्या हो गया भाई? एडवर्टाइज भी कट नहीं किया इन लोगों ने तो। सौम्यता या शांत
ओके आ गया चलो। जो ये कहते हैं कि जो आपके प्रभास हैं वो एक तरीके से बाहुबली 3 लग रहे हैं और गुस्से में नजर आते हैं बहुत, क्योंकि जो आपने 95 सेकंड का टीजर देखा है उसमें मेजरली भगवान राम असुरों का संहार कर रहे हैं, उसमें वो वॉर जोन में है, उसमें वॉर फील्ड में है, रण क्षेत्र में है। तो जब वो रणभूमि में है तो मुझे समझ में नहीं आता कि जिसके ऊपर इतनी बड़ी आपत्ति आई है, जिसकी प्राण प्रिया पत्नी का हरण कर लिया गया है, जो इतने बड़े असुर से लड़ने जा रहा है, वो उस वक्त सौम्यता जब हाथ में बाढ़ है और बड़े बड़े असुर आसमान से हमला कर रहे हैं, तो उतने मोमेंट में सौम्यता या शांति का वो क्षण नहीं था। वो क्षण इस बात का है कि पूरे पराक्रम से इन अधर्मियों को, इन असुरों को जवाब दिया जाए। आप अगर बाकी फिल्म देखेंगे, टीजर है, इसी बात ट्रेलर आने वाला है, आपको भगवान राम का सौम्य रूप दिखाई पड़ेगा और ऐसा दिखाई पड़ेगा कि मैं ये बात दावे से कह सकता हूँ कि जय श्री राम पर जय घोष करते हुए लोग थिएटर से निकलेंगे। मुझे आप क्रोनोलॉजी इवेंट देखिए, सबसे पहली बात तो ये जो सौम्यता दिखनी चाहिए वो इस कारण से भी आवश्यक है क्योंकि प्रभु श्री रामचंद्र जी ने गुरु वशिष्ठ जी के चरणों में बैठकर वो आत्मविद्या, वो ब्रह्म ज्ञान, वो अद्वैत वेदांत का ज्ञान प्राप्त किया था और इस कारण से परिस्थिति चाहे जैसी भी हो हर परिस्थिति में सम वे रहते थे, इसका शास्त्र में वर्णन है। क्योंकि आत्मविद्या जिसे कहा जाता है, वो जिसके जिसे प्राप्त होती है वो हर परिस्थिति में सम रहता है, चाहे बाहर की परिस्थिति कितनी ही कठिन से कठिन क्यों ना हो या चाहे कितनी ही हर्ष उल्लास की परिस्थिति क्यों ना हो, सुख में ज्यादा सुखी ना होना, दुख में ज्यादा दुखी ना होना, ये बातें वो दिखनी चाहिए। और चलिए इवन ऐसा भी पढ़ने में आता है शास्त्रों में कि प्रभु श्री रामचंद्र जी अंदर से वो जो आत्मविद्या है वो इतने स्थिर थे कि बाहर से जब वे सीते सीते पूरा जंगलों में वे माँ सीता की याद में जोर जोर से चिल्ला रहे थे, एक प्रकार से आवाज लगा रहे थे सीते सीते, उस समय भी अंदर से वे पूर्ण स्थिर थे, शांत थे, क्योंकि वो आत्मविद्या मन के विचारों से हम पृथक है, शरीर से हम पृथक है, वो ज्ञान उन्हें गुरु वशिष्ठ जी से मिला था। तो वो एक सौम्यता वहां आवश्यक भी होती है। और दूसरा एक मैं ये भी कहूंगा कि चलो प्रभु श्री रामचंद्र जी जब वो पूरा उनका पराक्रमी स्वरूप दिखना भी आवश्यक है, पर कम से कम आप RRR में रामचरण जी, अल्लू सीताराम राजू जी की भूमिका में एंडिंग में जिस प्रकार से उन्हें दिखाया है, चेहरे पर वो शांति भी है। आप देखिए किस प्रकार से रामचरण उनका वो एक्सप्रेशंस कहीं पर भी वो बिल्कुल एग्रेसिव नहीं लग रहे हैं, शांत है, पर फिर भी उतने ही क्षात्र तेज और पराक्रम हमें वहां पर देखने को मिल रहा है। तो वो एक डिसअपॉइंटमेंट है लोगों के मन में क्योंकि उन्होंने एक ऐसी चीज देखी हुई है RRR में और वहां पर बिल्कुल वो प्रभु श्री रामचंद्र जी ही है, ऐसा लोग खुद स्वयं कह रहे हैं। हालांकि उस सीन में रामचरण उनके चेहरे पर दाढ़ी भी है, मूछ भी है, पर किसी ने भी उस पर आक्षेप नहीं लिया, उल्टा लोग स्वयं होकर खुद होकर कह रहे हैं कि भाई ये तो बिल्कुल प्रभु श्री रामचंद्र जी लग रहे हैं। और वो अभी से नहीं, जब फिल्म रिलीज हुई थी तब से लोग कह रहे हैं। तो वहां पर आप बिल्कुल फेल हुए हैं, आप वो वैसा लुक नहीं दे पाए हैं। चलिए आगे चलते हैं। बताइए कि एग्जैक्टली क्या हुआ कि आपको एक डैमेज कंट्रोल करना पड़ा, बिकॉज़ आई एग्री इसको जल्द नहीं करना चाहिए, पर क्लियरली कुछ हुआ होगा कि एक कंपनी को कहना पड़ा कि भैया मेरे को लेना देना नहीं है। मुझे नहीं पता, मुझे इसके बारे में कोई जानकारी है नहीं। मैंने जरूर प्रेस रिलीज देखा, मैंने पढ़ा, और उसमें प्रेस रिलीज में उन्होंने कहा था कि दे वर गेटिंग सम इंक्वायरीज फ्रॉम द फ्रेंड्स इन मीडिया एंड हेंस दे हैड टू पुट आउट अ क्लेरिफिकेशन। शायद वैसे उनको इंक्वायरीज आई होंगी और इसलिए उन्होंने ये क्लेरिफिकेशन दिया होगा। उसके अलावा मुझे उसके बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है। भव्यता दिखाने के चक्कर में मूल भावना से तो आप नहीं भटक गए, कहीं कहीं जो रामायण में तुलसीदास जी में उस बहुत थोड़ा पिछड़ा जिसमें अलग दिखता है, ज्यादा क्रिएटिविटी लिबर्टी ले ली गई है। देखो नहीं, क्रिएटिव लिबर्टी का मतलब हम गलत तरीके से लेते हैं। क्रिएटिव लिबर्टी का मतलब ये नहीं कि आप जो चाहे वो दिखाओ। क्रिएटिव लिबर्टी का मतलब ये होता है अगर कोई घटना होती है, अगर कोई एक पर्टिकुलर एक्ट होता है तो एम्फसाइज किया जाना चाहिए। देखो जब हम लार्जर देन लाइफ कुछ करना चाहते हैं तो इसका ये बुरा मतलब हम क्यों निकालते हैं कि उसके अंदर का हम सोल को बैठे, उसके अंदर का सोल अपनी जगह पर रह सकता है, क्यों नहीं रह सकता? वो सोल ही तो सब कुछ है। रामायण के जो विचार है वो सबसे तीव्र और सबसे ऊपर और सबसे अधिक है, उनके ऊपर कुछ नहीं। और दूसरी साइड से अगर आप देखो तो रामायण का जो गाभा है, रामायण की जो सीख है, और अगर हम फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन इसे 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 अगर एक नैरेटिव के तौर पे देखें, करेक्ट, तो इससे बड़ा नैरेटिव कुछ नहीं है। इट इज एन एपिक फॉर अ रीजन। ये सदियों से चलते आ रहा है, हम सालों से हम रामलीला देखते आ रहे हैं। हम आप और मैं, हमने भी बचपन में रामलीला देखी, बड़े बड़े शहरों में और छोटे से गांवों में रामलीला होती है, वहां से लेकर आगे कितनी सदियां ये रामलीला चलती रहेगी, इसका रीजन क्या है? इसकी सीख बहुत स्ट्रांग है। तो जो इतना अमेजिंग नैरेटिव है उसे चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो आपने जो 95 सेकंड देखे, उस 95 सेकंड में आपने क्या देखा? किसी ने भी क्या देखा? 95 सेकंड में हमने देखा कि रावण एक असुर है जिसने माँ सीता का हरण किया है, भगवान श्री राम अपनी पत्नी को बचाने के लिए समुद्र पार कर रहे हैं और भालुओं वानरों की सेना लेके हनुमान जी की मदद से वो जाके रावण पे अटैक करते हैं। इतनी हमने कहानी देखी है, इतना ही 95 सेकंड में समझ में आया है। अब इस कथानक के साथ अगर किसी को भी आपत्ति है तो मैं समझता हूँ कि फिर गलती हुई है, मुझसे भी गलती हुई है और उनसे भी गलती हुई है। लेकिन अगर ये कथानक, अगर ये सोल, अगर ये आत्मा आप तक पहुंच रही है, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं है, कोई करप्शन नहीं है, मुझे लगता है कि क्रिएटिव लिबर्टी का थोड़ा सा अधिकार एज अ फिल्म मेकर इनको, एज अ राइटर मुझे मिलना चाहिए। देखिए क्रिएटिव लिबर्टी, भले ही आपको पूरी क्रिएटिव लिबर्टी है और आप जिस प्रकार से विजुलाइज करना चाहते थे कर सकते थे, पर आपने जो विजुलाइज किया है उनमें वो इमोशंस नहीं जग रहे हैं। मैंने जैसा कि कहा कि आप बार बार 95 सेकंड कह रहे हैं, पर 95 सेकंड क्या 5 सेकंड की भी आवश्यकता नहीं होती, एक पोस्टर ही काफी होता है वो भाव जगने के लिए।
और कई बार आरआरआर के रामचरण जी के पोस्टर का लोग संदर्भ दे रहे हैं, जहां पर वे पूरे भगवा वस्त्रों में, हाथ में धनुष है, तीर कमान है, और वो भाव उनकी तरफ देखकर जग रहा है मन में, केवल पोस्टर देखकर ही, जो 95 सेकंड का ये पूरा टीजर देखकर कहीं पर भी नहीं जग रहा। तो आपने जिस प्रकार से कैरेक्टर्स को विजुलाइज किया है वो बहुत बहुत ज्यादा डल लग रहा है। एक सिंगल सीन में भी कहीं पर भी वो इमोशंस, वो श्रद्धा, वो भाव नहीं जग रहे हैं, ये सबसे ज्यादा दुखद बात है। रही है वो एक तरीके से राष्ट्रवादी छवि रही। आपको इसका एहसास नहीं था कि अगर मैं इस तरह की चीज बनाऊंगा तो हो सकता है बहुत सारे लोगों को ये उतनी पसंद ना आए या उनको ऑब्जेक्शन हो? आपको कभी ख्याल नहीं आया? नहीं, क्यों आएगा? मैंने सब बनाया क्या? मैंने ऐसा क्या किया है? मैं जानना चाहता हूँ। और आप मेरे सामने बैठे, आप बहुत बहुत अनुभवी हैं, मैं आपसे भी सुनना चाहता हूँ कि आप मुझे तीन चीजें बुलेट पॉइंट पे बता दें कि मनोज यही आपने गलत किया। सबसे पहली बात तो विजुअल्स ही गलत है। इतने चीप विजुअल्स मैंने खराब से खराब एनिमेटेड फिल्म में भी नहीं देखे। इतने खराब विजुअल्स आप देख लीजिए, एक सिंगल सीन की तरफ देखकर कहीं पर भी वो पूरा क्रिंच फील हो रहा है। प्रभु श्री रामचंद्र जी चल रहे ना, ऐसे 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 वो मूवमेंट भी उनकी फ्री ऐसे पूरी रियल मूवमेंट नहीं लग रही है। पूरे ऐसे ऐसे वो जो एनिमेशन आपका दिख रहा है, प्रॉपर मूवमेंट भी नहीं दिख रही कैरेक्टर्स की। जब मैंने वो टीजर देखा था पहली बार देखकर ही 2013 या 2014 में, मुझे पक्का याद नहीं आ रहा, पर आज से 7-8 वर्ष पहले रजनीकांत जी के कोचा दैया नाम की फिल्म आई थी। अभी भी उसका टीजर आप देख लीजिए, कुछ वैसा फील हो रहा है। इतने खराब विजुअल्स, यही सबसे बड़ी कमी है। उसके बाद आपने कैरेक्टर्स को जिस प्रकार से विजुलाइज किया है, नहीं जग रहे हैं वो श्रद्धा भाव मन में। आपने तीन कारण मांगे थे और बहुत सारे, हनुमान जी का कैरेक्टर है, राम जी का पात्र है, माँ सीता को जिस प्रकार से आपने दिखाया है, बहुत सारी बातें हैं। ये तीन क्या, पूरा एक लंबी लिस्ट बताई जा सकती है। ये जो कह रहे हैं, जैसे हम लोग रावण पर लौटे, हम लोग रावण जी चित्र फिर देख रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि ये एक किसी मुगल की तरह लगता है, आप इससे सहमत नहीं है? ये बार बार रावण पर क्यों आ रहे हैं? दूसरा, आप राम जी को लीजिए ना, प्रभु श्री रामचंद्र जी को कैसे दिखाया है, सफेद धोती में, उस पर तो अभी तक प्रश्न भी नहीं पूछा। ये बार बार रावण को बीच में क्यों लेकर के आ रहे हैं? पता नहीं, मुगल की तरह, मैं फिर आपको बता रहा हूं, मैंने अभी बोला त्रिपुंड है, रुद्राक्ष है। ये मेरे ख्याल से कुछ ऐसे प्रश्न जानबूझ कर पूछ रहे हैं जहां पर जो मनोज मुत्तशिर जी हो या वो अपने आप को थोड़ा सेफ रख सके कि चलो हमने रावण को बुरा दिखा दिया है। चलो आप दूसरे प्रश्न पूछो ना, राम जी को कैसे दिखाया है, हनुमान जी को कैसे दिखाया है, उस पर तो प्रश्न ही नहीं पूछ रहे। मुझे एक मुगल लाएं जिसके साथ ये सब जाता हो, एक तस्वीर मुझे दिखा दें आप। बुराई का प्रतीक है, बुराई का चेहरा है, बुराई से मिलता है। जब आप श्री राम की बात कर रहे हैं तो जो हिस्टोरिकल चीजें एक स्टोरी के साथ जुड़ी हुई होनी चाहिए या वो उस स्टोरी का इंटीग्रल पार्ट है, वो आपके 95 सेकंड में कहीं ना कहीं मिस होता हुआ लिख रहा है और इसीलिए इतना बवाल मचा हुआ है, आस्थाएं हर्ट हुई है। इस पर आप क्या कहेंगे? कुछ भी ऐसा नहीं है कि कुछ लोग हैं, या मैंने पहले बात कही, कोई लकीर नहीं खींची, लकीर के उस तरफ वाले हमसे नाराज हैं, हम आपकी तरह, आप हमारी तरफ हैं, हम सब एक हैं। एक बात आप बताएं, क्या हमारी इस नियत पे कोई संदेह है? पहले याद बता दें, आपकी नियत पे संदेह नहीं था, इसी कारण से इतनी अपेक्षाएं थी, पर जो विजुअल्स आए हैं वो मजा किया है सच में। क्या आपको लगता है कि मनोज मुत्तशिर, जिसके बारे में अभी देवांग जी कह रहे हैं कि आपकी जो पहचान है वो राष्ट्र से है, मैं कहता हूं मेरी पहचान राष्ट्र से है, धर्म से है और राष्ट्र धर्म से है। तीनों चीजें मुझे डिफाइन करती हैं। एक थ्योरी मुझे बता दीजिए, मनोज ऐसा था करके तुम्हें ये फायदा होने वाला है, तो मैं मानूंगा कि अच्छा, चलो मुझे लाभ होने वाला है। मुझे क्या लाभ होगा, ऐसी फिल्म के साथ पाओगे जिसमें मेरे प्रभु भगवान श्री राम की इमेज को डिस्कवर किया जा रहा हूं। दूसरी बात, ओम राउत जिन्होंने कहानी बनाई है, जिन्होंने एक इतने बड़े वीर की महिमा घर घर तक पहुंचा दी, हम सब की जो नीयत है, हम सब की जो चेष्टा है, उसमें कोई संदेह पहली बात तो नहीं होनी चाहिए, बड़ी नम्रता से बात कह रहा हूं। दूसरी चीज, आप ये कहेंगे फिल्म ने लोगों की भावनाओं को आह दिया है, हम उन सब की बातें सुन रहे हैं, हम कलम कागज लेकर रहे हैं, जितनी भावनाएं आती हैं आपने बताएं, हम हर चीज का नोट बना रहे हैं और नोट बना के उसकी बात समीक्षा की जाएगी, जो हमसे बन पड़ेगा वो किया जाएगा। पुष्पा विमान की बात करें, बड़े स्पेसिफिक एक ही पॉइंट पर रहे, आपने लगता कि कुछ नया करने की कोशिश में हम कहीं लीक से, कहीं जो किताब है, कहीं जो टेक्स्ट है, कहीं जो, अब इस पर वो यही उत्तर देंगे कि वो पुष्पक विमान नहीं है, आप देख लेना। मैंने देखा नहीं ये इंटरव्यू, शुरुआत में केवल 2-3 मिनट मैंने देखे थे, फिर मुझे लगा कि चलो आपके साथ में बैठकर देखते हैं, तो इसके बाद देखना, वो यही उत्तर देंगे। देखा, समझा गया है, और दशकों से उससे हम थोड़ा दूर चले गए हैं, थोड़ा हट गए हैं, तो वही है कि आपने उसको पुष्पक कहना शुरू कर दिया, पुष्पक समझ लिया, वो परसेप्शन है कि वो पुष्पक है। देखो भाई, पुष्पक विमान नहीं, वही का पुष्पक नहीं है, वो एक मायावी क्रिएशन है जो रावण ने बनाया है, जो रावण जिसको समझ करके आ रहा है। क्या रामायण में इस बात का उल्लेख है कि चमगादड़ जैसी पक्षी जो आज के ड्रैगन फिल्मों में दिखाई देते हैं, हॉलीवुड की वैम्पायर जैसा पक्षी उस पर बैठे कहीं गया था, ऐसे ही है क्या रामायण में? ये पूछ रहा हूं, आप कहिए कहां सा ऐसा है। उनकी माया के ऊपर बहुत सारा कमेंट्स है, उनकी माया के ऊपर, शेप ऊपर जिसे कहते हैं उसके ऊपर बहुत सारी कमेंट्स है, और वो रूप बदल के कुछ करने की बहुत सारा कमेंट्स है। आप करके ऐसा किया, माया भी क्या करेगा जब आप मुझे कहते हैं लेखक क्या करेगा, लेखक लिखेगा तो माया भी माया को दिखाएगा ना, और माया दिखाएगा तो माया, ये माया का पहलू, माया का हिस्सा है। भाई आप माया को कैसे दिखा रहे हैं, मुझे तो ये इससे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आप कितनी भी भयानक से भयानक माया दिखा सकते थे, पर वो
आप उसको विजुलाइज कैसे कर रहे हैं इतने बचकाने तरीके से, वो चमगादड़ आप देख रहे हो कैसे लग रहा है, हंसेगा कोई छोटा बच्चा भी आप दिखा देंगे वो हंसेगा, छोटे छोटे बच्चों का एनिमेशन भी होता है ना वो भी इससे हजार गुना ज्यादा बढ़िया होता है। राम भगवान राम और रावण के बारे में बात कर रहा हूँ। जब रावण का वध हुआ, जब उनकी मृत्यु लास्ट स्टेज था, भगवान राम ने खुद लक्ष्मण से कहा ये ब्राह्मण है, ज्ञानी है, आप इनके पास जाइए। ये तो आर्गुमेंट मुझे समझ में नहीं आता। अरे वो राम जी की महानता है कि उन्होंने लक्ष्मण जी से कहा कि रावण से जाकर के कुछ ज्ञान की बातें सीख करके आओ, इसमें रावण की कोई महानता नहीं है। वो तो राम जी की उतनी महानता है कि इतना सब होने के बाद भी उनमें कितनी विनम्रता है, शालीनता है, वो उनके आदर्श है, मूल्य है, इसमें रावण की कौन सी महानता आ गई? ज्ञान प्राप्त कीजिए। तो जिस प्रकार से आप नेगेटिव राम को बता रहे हैं, रावण को बता रहे हैं, क्या भगवान राम ने वहां भेजकर गलत किया? भगवान राम ने लक्ष्मण को मरते हुए रावण के पास भेजा उनका उनसे कुछ ज्ञान लेने। मैंने अभी से अपने चैनल पे व्यक्तिगत तौर पे वीडियो बनाया, जो लोग देख रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि ये बात हमको पता नहीं थी, ये बात हमको बिल्कुल पता है। लेकिन कोई ज्ञानी है क्या सिर्फ इस बात से उसके अधर्म क्षमा हो जाते हैं? ओसामा बिन लादेन एक बहुत बड़ा इंजीनियर था, ऐसा पढ़ा है बहुत जगहों पे, कि वो इतना स्मार्ट इतना शार्प इंजीनियर था कि जो बड़े बड़े इंजीनियरिंग इवेंट्स नहीं कर पाते वो ओसामा बिन लादेन कर सकता था। मैं ओसामा बिन लादेन को उसकी विद्वता के लिए, उसकी इंजीनियरिंग मास्टरी के लिए याद करूं, या मैं इस बात के लिए याद करूं कि उसने हजारों मांगे जोड़ दी। ये बातें सब सही कह रहे हैं मनोज मुंतशिर जी, और इसी कारण से शायद यही प्रश्न बार बार पूछे जा रहे हैं रावण से घुमा फिरा कर। ये इंटरव्यू जब से शुरू हुआ है तब से लेकर के बस रावण 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 ही करे किए जा रहे हैं। छोड़ दो ना यार, आपने राम जी को कैसे दिखाया है, हनुमान जी को कैसे दिखाया है, उस पर बात ही नहीं कर रहे। माँ सीता को कैसे दिखाया, उस पर किसी ने बात ही नहीं, एक प्रश्न नहीं पूछा अभी तक। कितने मिनट हो गए? 35 मिनट हो गए। रावण के पीछे क्यों पड़े हैं? इंडस्ट्री में एक बात चलती है, विवाद होता है, और उसके बाद लोग सीधा कहते हैं कि नहीं बॉयकॉट करो। क्या ये बॉयकॉट शब्द आपको डराता है? जिसका मन साफ हो, जिसकी कामना भावना हमारे विचार साफ हो, हमारा हमारी बुद्धि एक जगह पे हो, हमारा हृदय एक जगह पे हो, हम वही रास्ते पर चलते रहेंगे। हम प्रभु राम के सेवक, हम उनके विचारों को अपना आदर्श मानते हैं। चरण में रख दिया जब मात को किस बात की चिंता, हमारे साथ है रघुनाथ को किस बात की चिंता। हम कुछ नहीं, एक सवाल जो ट्विटर से है, और ये है संगम शुक्ला, और ये कह रहे हैं कि आपने कहा सभी सनातनी है, तो क्या धर्म के बारे में गलत दिखाने का अधिकार है? ये सब बातें सही है मनोज जी, और इसी कारण से आपसे अपेक्षा भी थी कि आप कुछ गलत नहीं दिखाएंगे, पर जो दिख रहा है वो बहुत निराशाजनक है। पांच सवाल हैं, हर सवाल के साथ दो ऑप्शन है, मुझे लग रहा है धर्म के बारे में गलत दिखाने का अधिकार है। एक मिनट, ये आगे कहां से आ गए? बिल्कुल, ये तो सवाल का जवाब क्या है, मतलब सीधे मैं बोल रहा हूँ ऑनलाइन आंसर कि किसी को भी धर्म के बारे में गलत दिखाने का अधिकार नहीं है, किसी को भी धर्म के साथ छेड़छाड़ करने का अधिकार नहीं है, किसी को भी सनातन की अपनी अलग गलत व्याख्या करने का अधिकार नहीं है, बिल्कुल नहीं। अच्छा, रैपिड फायर दौर है, पांच सवाल है, हर सवाल के साथ दो ऑप्शन है, मुझे तीन से पांच साल लगते हैं रैपिड फायर मेरी समझ में। तीन से पांच साल आपने लिए होते तो बहुत अच्छा होता उमराव जी, ये डेढ़ साल में जो चीज बन गई है वो बहुत निराश कर रही है। आपके साथ दोनों, आप दोनों के साथ मेरे सवाल है, तो रामायण को छोटे बड़े पर्दे पर कई बार दिखाया गया है, आपको उसमें ज्यादा पसंद कौन सी रामायण है? एक तो रामानंद सागर की रामायण थी जो टेलीविजन पर हम सबने देखी, और एक जो रामायण जिसका आपने उल्लेख भी किया, रामायण द लेजेंड ऑफ प्रिंस राम। मेरे लिए रामानंद सागर की रामायण, मेरे लिए भी रामानंद सागर की रामायण, क्योंकि वो मैंने पहली देखी और उसका इंपैक्ट मेरे पे ज्यादा हुआ। चाहिए चरित्रों की बात करें तो किसका चरित्र ज्यादा जटिल है, राम का या रावण का? प्रभु राम का काफी सरल है। एग्जैक्टली, बहुत सरल है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। देखिए, मैं एक बात बताऊं आपको, रावण की जो जर्नी है ना, जो यात्रा है, विश्रवा का पुत्र जो एक जमाने में इतना निर्धन था, और वो अपने पराक्रम से, अपने अधर्म से भी उसने इतनी बड़ी संपत्ति खड़ी कर ली, लंकापति हो गया, लंकाधीश हो गया, और एक दिन उसी अधर्म से और उसी अहंकार से उसने जितना कुछ कमाया था उस सब एक एक करके गंवा दिया। तो ये जो जटिलता है ना, ये निश्चित तौर पर रावण के चरित्र में ज्यादा है। इसमें भी करीब करीब आप लोग एक ही मत है जी, पहले से तैयारी करके आए, सालों से तैयारी करते आ रहे हैं। किताब या महाकाव्य पर जब फिल्म बने, क्या फिल्मकारों को तथ्यों को बदलने की आजादी होनी चाहिए या उन्हें किसी सीमा में रहना चाहिए? डेफिनेटली सीमा में रहना चाहिए। जो एक्सट्रैक्ट है, जो अर्क जो है, अर्क जो है, वो अर्क हमको मेंटेन रखना ही पड़ेगा, वो रखने की जरूरत है। विवाद से बचने के लिए क्या करना चाहिए, फिल्म का नाम बदल लेना चाहिए या जो कुछ बदलाव करने हैं वो कर लेने चाहिए, सच्चाई मेंटेन करनी चाहिए? इन दोनों ऑप्शंस में से आप कौन सा एक चुनना चाहेंगे? आप चाहें तो पास भी कर सकते हैं सवाल। किस फिल्म के लिए, आप हमारी फिल्म के लिए कह रहे हैं या जनरल पूछ रहे हैं? मैं जनरल पूछ रहा हूं, क्यों जनरल, हमारी टीम से इस सवाल का कोई संबंध नहीं है, मैं इसको पास करता हूं। आपको क्या लगता है कि विवाद से किसी भी फिल्म को फायदा होता है या नुकसान? नुकसान, नुकसान, फिल्म मेकर को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। दिल टूटा है सर, बहुत मुश्किल होती है सर, माइंड डाइवर्ट होता है ना, वो डाइवर्ट नहीं होना चाहिए। फिल्म मेकर को सबसे बड़ा नुकसान होता है,
आप लोगों ने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कई सवालों के सीधे जवाब दिए, कई सवालों के जवाब आप शायद सीधे देना चाहते थे लेकिन थोड़ा दूर टहलने चले गए, पर ठीक है, फिल्म अभी रिलीज होने वाली है, उम्मीद है तब तक आपके पास और सवालों के जवाब आ जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज इतना ही। चलिए, हो गया आखिरकार फाइनली स्टॉप शेयरिंग। मैं इधर आ जाता हूँ हमारे मेन स्क्रीन पर। कितने 50 मिनट पूरे हो गए हैं, अभी भी बहुत सारे 1200 मित्र जुड़े हुए हैं। सभी मित्रों का बहुत धन्यवाद इतने लंबे समय तक जुड़े रहने के लिए। मैं अभी कुछ मित्र आपके सब प्रश्न वगैरह लेने वाला हूं। आपके जो भी प्रश्न आप पूछते जाइए, मैं लगभग सभी प्रश्न लेने का प्रयास करूंगा। एक मैं बात कहना चाहूंगा, देखिए पूरा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जो भी प्रश्न पूछे गए, उसमें एक सिंगल प्रश्न भी राम जी को किस प्रकार से दिखाया इस पर नहीं पूछा गया। सबसे बड़ी आपत्ति तो हमारी वहीं पर होनी चाहिए ना कि राम जी को आपने कैसे दिखाया। पहले तो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बस रावण 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 को ही पकड़े रहे, क्योंकि वो एक सेफ पॉइंट था, क्योंकि उसको लेकर वो कह सकते थे कि भाई रावण बुरा है तो हमने बुरा दिखाया है। तो वो इस कारण से बस उसी प्रश्न के इर्द गिर्द पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस घूमती रही, राम जी को कैसे दिखाया है। वो सबसे बड़ी पीड़ा एक दर्शक के रूप में हमारी होनी चाहिए, पर वो तो प्रश्न तक नहीं पूछा गया, आप बताइए पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। चलिए जल्दी जल्दी मैं प्रश्न ले लेता हूँ आपके। राहुल के, प्रतीक भैया आप कोबरा काय सीरीज देखिए प्लीज। देखिए सीरीज बहुत बड़ी, इस कारण से पता नहीं मैं इतना समय दे पाऊंगा या नहीं, फिर भी आपने कहा है तो मैं अवश्य कोशिश करूंगा, प्रयत्न करूंगा। पेट्रियोटिक इंडियन, धन्यवाद भाई आपका। प्रतीक दादा प्लीज मेक अ वीडियो ऑन शाकुंतलम स्टारिंग समंता। अभी शायद टीजर या ट्रेलर कुछ रिलीज नहीं हुआ है, मैंने खाली पोस्टर देखा था। जैसे कुछ पोस्टर वगैरह या टीजर वगैरह आएगा तो उसके बाद मैं अवश्य वीडियो बनाऊंगा। यो लाइन इन अप्रैल एनिमे, नितिन कुमार जी धन्यवाद आपका, ठीक है मैं प्रयास करूंगा। चलिए आगे चलते हैं। ओम ओम, आपकी जो भी प्रश्न है आप पूछ सकते हैं, मैं जितने हो सके प्रश्न लूंगा। श्रीनिधि राव जी धन्यवाद आपका। भाई कन्नड़ा डॉक्यू ड्रामा गंदड़ा गुड़ी का ट्रेलर देख लीजिए। कर्नाटका का नेचुरल ब्यूटी को नेशनल ज्योग्राफिक के बाप लेवल तक शूट किया गया है। ओके, चलिए मैं इसको सर्च करके रखता हूँ, जैसे ही हमारा लाइव पूरा हो जाएगा उसके बाद मैं इसे देखूंगा। गुड़ी टीजर आया कि ट्रेलर आया है? ट्रेलर अभी आ गया है क्या? गंधड़ा गुड़ी, ओके जी जी। अच्छा पुनीत राजकुमार जी भी है इसमें, चलिए मैं बाद में देखूंगा। आगे चल, और कुछ प्रश्न, बहुत सारे प्रश्न आए हुए हैं, सबको हम एक एक करके ले लेते हैं। ओम 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 ओम। अतुल शर्मा जी धन्यवाद आपका। हाउ टू डू एफ आई आर ऑन आदिपुरुष मेकर्स फॉर डिस्टॉर्ट हिंदुइज्म। अतुल शर्मा जी देखिए, मैंने दूसरी कुछ ऐसी उदाहरण दिए जिसमें रावण को जस्टिफाई करने का प्रयास किया गया है। कुछ ऐसी फिल्में भी आई जिसमें प्रभु श्री रामचंद्र जी से इंस्पायर्ड जो कैरेक्टर है उसको फिल्म के अंत में लिंच करते हुए दिखाया है, रावण का महिमा मंडन किया है। लक्ष्मण जी से इंस्पायर्ड कैरेक्टर को बलात्कारी दिखाना, शूर्पणखा से इंस्पायर्ड कैरेक्टर को रेप विक्टिम दिखाना, उसके आड़ में रावण को जस्टिफाई करना, ऐसे ऐसे फिल्में हमारी इंडस्ट्री में आ चुकी है बताइए। और ऐसे फिल्म मेकर्स की तो आलोचना भी नहीं हुई, उल्टा उन फिल्म मेकर्स को हमारे देश में सेलिब्रेटेड फिल्म मेकर्स कहा जाता है। मणिरत्नम की रावण फिल्म का उदाहरण ले लीजिए। देखिए आदि पुरुष के मेकर्स को लेकर मुझे दुख इस कारण से हो रहा है कि क्योंकि उनके इंटेंशंस कम से कम अच्छे, भले ही वो विजुअल्स खराब उन्होंने बनाए हैं, पर मुझे इस कारण से दुख होता है कि राष्ट्रवादी फिल्म मेकर्स अगर खुद के ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारेंगे तो इससे गलत लोगों को ताकत मिलती है। श्रीनिधि राव जी ने लिखा, अरे ओम भाई, एलटीआर इज ऑनेस्ट टॉकियन बुक्स मार्वल टू इट्स कॉमिक्स, तो आप भी वाल्मीकि तुलसीदास जी को ऑनेस्ट रहो, ये मोदक का मंचूरियन क्यों बना दिया। ये बिल्कुल सही कहा, मोदक का मंचूरियन बना दिया, वो सही है। भले ही आपके इंटेंशंस अच्छे हो पर जो विजुअल्स दिख रहे हैं ना वो बहुत बहुत ज्यादा निराशाजनक है हर प्रकार से। सचिन सिन्हा जी धन्यवाद आपका। प्रतीक जी मनोज मंतशीर लोग मौसमी हिंदुवादी है, बॉलीवुडिया गैंग ब्रह्मास्त्र के बाद एक और घटिया प्रोडक्ट लाया है कार्टून पोगो चैनल के, उन्हीं चैनल्स पर रिलीज करे, सचिन सिन्हा जी ने लिखा है। चलिए ठीक है भाई, वो तो विजुअल्स तो खराब है ही, इसमें कोई संदेह ही नहीं है, उसको तो किसी भी प्रकार से कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता। और सबसे दुख की बात है उस पर कोई प्रश्न भी नहीं पूछा, प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने पूरी देख ली। राम जी को किस प्रकार से दिखाया है उस पर प्रश्न नहीं, विजुअल्स इतने खराब है उस पर प्रश्न नहीं, ले देकर 40-45 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में रावण 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 ही जपते रहे।
क्योंकि वो एक सेफ जोन था ना फिल्म मेकर्स के लिए, उसको लेकर कह सकते थे बार बार कि भाई रावण बुरा है, हमने वैसा दिखाया, रावण बुरा है वैसा दिखाया। दूसरी कितनी सारी बातें थी पूछने जैसी, वो पूछी ही नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में। अत्रिया करुण देशी वाटला जी धन्यवाद आपका। नमस्ते भाई, रामायण देखने के रामायण बहाने के लिए अच्छे और नेक सोच काफी नहीं है, रामायण बनाने के लिए भक्ति से जुड़ी हुई विजन के साथ आध्यात्मिक विचार होने चाहिए। बिल्कुल सही बात कही आपने, मैंने ये बात कई बार कही हुई है कि रामायण आप हमारे शास्त्रों को अगर समझना है तो कम से कम मन में वो पवित्रता तो होनी चाहिए ना। जैसे कि वो कहा जाता है कि शेरनी का जो दूध होता है ना वो सादे पात्र में टिकता नहीं है, उसके लिए सोने का बर्तन लगता है, ऐसा मतलब कहा जाता है। आप कहावत समझ लीजिए, एक बात कहने की उसका तात्पर्य क्या है उस बात का वो समझ लीजिए, बात सही गलत है उसमें मत जाइए, पर वो पात्रता तो होनी चाहिए आपको। अगर वो बातें समझनी है, वो आदर्श और मूल्यों का महत्व, आप उसको कुछ भी भले ही आपके इंटेंशन अच्छे हो पर वो भाव नहीं जग रहे देखकर जो भी हो। करण दर्जी जी धन्यवाद। सच बोलू मुझे अब बिल्कुल भरोसा नहीं है लोगों पर। एक मिनट, ये क्या है यार, सॉरी। बिल्कुल भरोसा नहीं है लोगों पर, चाहे कुछ भी बोले, मुझे तो अब ये सब लोग साधु के भेष में राक्षसी लग रहे हैं, हर बार हमारे ही भगवान का मजाक, बहुत तकलीफ होती है। ओके भाई, रियल रिव्यूज रिएक्शन एट ऑल, धन्यवाद भाई आपका। मैं तुझा हर हर महादेव सा वीडियो बघितला, मस्त आहे, वाईट पण वाटत आहे कारण पॅन इंडिया रिलीज होऊन पण जास्त चॅनलनी ट्रेलरला कव्हर नाही केले, काय तुझ्या चॅनलवर ॲक्टर्सचा इंटरव्ह्यू होईल? मी जरूर प्रयत्न करेल इंटरव्ह्यू घेण्याचा, जर पॉसिबल झालं तर मला तर खुशीच होईल, बघेल मी, जर ट्राय करून बघेल मी। अतुल शर्मा जी धन्यवाद आपका। ओम राऊत कांट मेक इवन अ सिंगल चेंज इन रामायण, हाँ लग तो यही रहा है क्योंकि आप राम जी को जैसे आपने सफेद धोती में दिखा दिया, जिस प्रकार से आपने ऊपर भी कुछ मैला कुचला सा पहनाया हुआ दिख रहा है, अब वीएफएक्स के माध्यम से पूरे कॉस्ट्यूम ही तो चेंज नहीं कर सकते ना, तो लग तो नहीं रहा कि अभी वो आगे वो कुछ चेंज कर पाएंगे ऐसा। ग्लोबल फायर धन्यवाद भाई आपका। अगर एविल इस्लामिक इन्वेडर्स दिखाने हैं तो उनपे फिल्म बनाओ, डोंट डू अप्रोप्रिएशन ऑफ हिंदुइज्म बाय प्रेजेंटिंग रावण लाइक दिस। सही कहा, अगर आपको मॉडर्न ही कुछ बनाना है रामायण पर टेक लेकर के, तो पूरी मॉडर्न वर्ल्ड में आप अपनी कहानी स्थित करो। आप अगर रामायण बना रहे हैं बिल्कुल प्रॉपर, तो वो उस जैसे पात्र हमारी भावना है, श्रद्धा है, उसके आधार पर ही दिखने चाहिए। जय भारत, धन्यवाद भाई आपका। ओम राव शोज गुंडा एंटी हिंदू एटीट्यूड ऑन रामायण, आपने पता नहीं ये किस संदर्भ में लिखा है, मैं समझ नहीं पाया भाई। अत्रिया करुण देशी वाटला जी धन्यवाद आपका चैनल के मेंबर बनने के लिए। साईनाथ, ट्रीट अदर्स द वे यू वांट टू बी ट्रीटेड, रिप्लाई टू देम हु आर सेइंग तेलुगु मूवीज मिल्किंग हिंदुइज्म, वंस वॉच ओल्ड एनटीआर मूवीज अन्नामाया, श्रीमंजुनाथ, श्रीरामदासु, ओम नमो वेंकटेश्वराय, लिस्ट बड़ा है। बिल्कुल, मैं तो हमेशा से कहता हूँ तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री अभी से नहीं, पिछले कई दशकों से लगातार हमारी पौराणिक ऐतिहासिक राष्ट्रवादी फिल्में बनाती आई है, 1940 के दशक से हम उसको देख सकते हैं, तो और वो सच्ची श्रद्धा से और भावना से वो कंटेंट बनाते भी हैं, ऐसा नहीं कि बॉलीवुड की तरह बस बनाने के लिए बना दिया। वो मिल्किंग जो आप कह रहे हैं ना फायदा उठाना, वो तो बॉलीवुड में दिख रहा है, जैसे कि ब्रह्मास्त्र फिल्म का वो कल्चर का रिप्रेजेंटेशन कहीं था नहीं, पर रिलीज से पहले जान पूछकर जबरदस्ती हमने हिंदू संस्कृति को बड़े गर्व के साथ में दिखाया है, एंशियंट इंडियन कल्चर का सम्मान किया है, रूट्स की तरफ लेकर के जाएगी ये फिल्म, सनातन संस्कृति, देवी देवताओं के फोटो वगैरह बैकग्राउंड में रखना, इसको कहते हैं मिल्किंग, लोगों की भावनाओं को एक्सप्लॉइट करना। वो ब्रह्मास्त्र के समय मैंने देखा था, बॉलीवुड में देखने को मिलता है। तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री सच में अपने रूट से कनेक्टेड है और सच्ची श्रद्धा से वे ज्यादातर फिल्में बनाते हैं। वहां पर भी कुछ गलत फिल्में हैं पर वो बहुत कम मात्रा में है। गौरव भट्ट जी धन्यवाद आपका। गोरिल्ले के जंप वाला सीन भी प्लैनेट ऑफ द एप्स से उठाया है, बिकॉम मीडिया है, फिक्स सवाल, ये थेथरही कहते हैं यूपी में इसको, मनोज पर कॉरपोरेट का दबाव है। हाँ वो तो दिख ही रहा है, मैंने कहा ना जैसे कि राम जी को कैसे दिखाया है इस पर प्रश्न नहीं पूछा, हनुमान जी को जो लुक है चमड़े वाला बात तो पूछ ली क्योंकि वहां पर उत्तर दे सकते थे कि भाई चमड़ा नहीं है, और जो ओवरऑल लुक दिया है उस पर कोई प्रश्न नहीं, माँ सीता को कैसे दिखाया है उस पर कोई प्रश्न नहीं, इतने घटिया विजुअल्स है उस पर कोई प्रश्न नहीं,
तो जहां पर सेफ जोन था वही वाले प्रश्न बस रावण रावण ही पूरे वीडियो में वो जपते रहे। अतुल शर्मा जी धन्यवाद आपका। FIR ऑन आदिपुरुष मेकर्स फॉर करप्टिंग हिंदू बिलीव्स एंड स्क्रिप्चर्स विल टीच नॉट जस्ट होम एंड मेकर्स बट होल बॉलीवुड अ लेसन, बैन ऑन द मूवी टू। अतुल जी मैंने कितनी बार कहा, मतलब देखिए सबसे पहली बात तो वो मॉडर्न टेक कह रहे हैं रामायण पर, और बैन तो मेरे ख्याल से पॉसिबल भी नहीं है। और जैसा कि चलो उनके इंटेंशंस कम से कम अच्छे हैं, लुक उन्होंने चलो गलत दे दिया रावण को, और रावण को लुक से मुझे तो वैसे भी रावण के लुक से, मैंने आप मेरा टीजर रिव्यू भी देख लीजिए, रावण के लुक पर मैंने इससे पहले कभी बात भी नहीं की। वो तो उन्होंने जबरदस्ती प्रेस कॉन्फ्रेंस में बार बार रावण 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 वो कर रहे थे, वो क्यों कर रहे थे मुझे सच में समझ में नहीं आया। मुझे सबसे बड़ी पीड़ा हुई राम जी को किस प्रकार से दिखाया है, वो हनुमान जी को किस प्रकार से दिखाया है, वो सबसे ज्यादा पीड़ा की बात है। पर चलो उनके कम से कम इंटेंशंस अच्छे दिख रहे हैं ना, वो रावण को जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं जो वामपंथी फिल्म मेकर्स करते हैं, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लमेटिक और पीड़ा की बात है। पर दुख की बात यह है कि वो इतना सटल वे में करेंगे ना कि ऐसी कोई फिल्म आ भी जाएगी, इससे पहले तो आ चुकी है, आगे भी आएगी तो लोग शायद उसकी इतनी आलोचना नहीं करेंगे जितनी आदि पुरुष क्या कर रहे हैं। तो सबसे प्रॉब्लमेटिक बात तो जब इंटेंशंस गलत होते हैं ना, वहां पर हमें सबसे ज्यादा आलोचना पर ध्यान देना चाहिए। ग्लोबल फायर धन्यवाद भाई आपका। इन द आदि पुरुष टीजर देयर इज अम्यूजमेंट ऑन राम प्रभु राम्स फेस इंस्टेड ऑफ कंसर्न दैट अ फैमिली मेंबर हैज बीन किडनैप्ड। हाँ वो भी दिख रहा है, वो चिंता वो पीड़ा, सौम्यता दिखना एक अलग बात होती है, पर फिर भी चेहरे पर एक थोड़ी पीड़ा चिंता दिखनी चाहिए। जो रामानंद सागर जी की रामायण में वो तो यार परफेक्ट था, जिस प्रकार से उन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी को दिखाया था, वो सब बातें यहाँ पर मिसिंग लग रही है। बिल्कुल सही बात कही आपने, मैंने ये नोट नहीं किया था, आपने बताया। गौरव भट्ट जी धन्यवाद आपका। मौलाना को कहा जाए रामायण बाचो तो यही होगा, यही सुनाएगा, इनको भगवा से एलर्जी है, भगवा से एलर्जी है, भगवान भगवा गायब, राम का नाम राघव है, रामायण बनती है श्रद्धा से। बिल्कुल सही बात कही, वो भगवा रंग जो आप दिखना चाहिए था वो दिख ही नहीं रहा, पूरी तरीके से निराशाजनक डल लुक दिख रहा है। कमिंग्स ऑन द वॉल धन्यवाद भाई आपका। चलिए जल्दी जल्दी आगे चलते हैं, एक घंटे से ज्यादा समय हो गया। बहुत सारे कमेंट्स अभी और लेने हैं हमें, बहुत देर हो गई है। ओम ड्रोन जोन विल यू बी रिव्यूइंग वन पीस फिल्म रेड, वन पीस रेड एनिमे? बिल्कुल मैं देखूंगा, मैं अभी थोड़ा बिजी था इस कारण से मैं देख नहीं पाया, पर कोशिश करूंगा कल परसों जब भी समय मिले मैं देखने का प्रयास करूंगा। साईनाथ ट्रीट अदर्स द वे यू वांट टू बी ट्रीटेड धन्यवाद भाई आपका। फ्यू हिंदी तमिल मलयालम मूवीज सिलेक्टिवली टारगेट हिंदुइज्म, few movies always show oppression, why don't they show dark side of other religions, equality? भाई वामपंथी फिल्ममेकर्स का प्रभाव ज्यादा है विशेषतः इसी कारण से। ऐसा नहीं कि इन फिल्म इंडस्ट्रीज में राष्ट्रवादी फिल्ममेकर्स नहीं है, पर राष्ट्रवादी फिल्ममेकर्स अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं, दिख रहा है आदि पुरुष को देख लीजिए आप, और इस कारण से दूसरे फिल्ममेकर्स को जो वामपंथी विचारधारा से उनको ताकत मिलती है, क्या किया जाए। मतलब रिंकू यादव जी धन्यवाद आपका। मनोज मुंतशिर एक को सबक सिखाना पड़ेगा, खुद को ओवर स्मार्ट समझता है, सनातन सनातन करके पागल बनाता है, इनको लगता क्या है हम बेवकूफ है, रिंकू यादव जी ने लिखा है। देखिए ठीक है उनके इंटेंशन अच्छे हैं, मुझे उनसे कोई ऐसे, मैं तो उनके राष्ट्रवादी विचारधारा का हमेशा सम्मान भी करता हूँ, ठीक है जो भी है उनसे मुझे उतनी कोई पीड़ा नहीं है। अब उन्होंने लुक गलत दिया है मेरे, मैंने जैसा कहा ना, जहां पर सच में रामायण का इतना अपमानजनक दिखाया है उन फिल्मों का, उन फिल्ममेकर्स की हम उतनी आलोचना नहीं करते, जैसे कि मणिरत्नम की रावण फिल्म, और भी एक फिल्म है रजनीकांत जी की फिल्म आई थी जिसमें प्रभु श्री रामचंद्र जी से प्रेरित इंस्पायर्ड जो कैरेक्टर है उसको फिल्म के एंडिंग में वो लिंच कर रहे हैं, रावण को बड़ा ग्लोरीफाई किया है, ये सब बातें जब दिखाई जाती है तो उनको तो पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया जाता है। तो यहाँ पर चलो कम से कम इंटेंशन अच्छे है, जो भी उन्होंने लुक अच्छा नहीं दिया, आशा करते हैं कि ट्रेलर में ये सब बातें हमें देखने को
नहीं मिलेगी, कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट होगा। और सबसे ज्यादा दुखी ये बात देती है कि राष्ट्रवादी फिल्म मेकर जिनसे अपेक्षा है, जो कर सकते थे, जिनके इंटेंशन भी अच्छे हैं, वे खुद होकर ही अपना खुद से ही नुकसान कर रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए। बाकी आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद इतने लंबे समय तक जुड़े रहने के लिए। जय श्री राम, वंदे मातरम।